हेलो 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 बच्चों, बुक्स आ गई हैं, अकाउंट्स की बुक्स आ गई हैं, तो क्लास के बाद जाके ले सकते हो। बोल देना, मैंने वैष्णवी मैम से बात कर ली थी, वो बोली कि ठीक है ना। तो क्लास के बाद एडवांस अकाउंट्स की जो पहली किताब है, फर्स्ट किताब, सारी किताब नहीं मिल रही, पहली किताब मिलेगी। हाँ, रिसीट लेके आनी पड़ेगी और उसके साथ आपको किताब मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा यस यस यस, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी मैंने क्लास अभी स्टार्ट नहीं किया, पर पहले जरूर सुन लीजिए अच्छे से। देखिए, डस्टबिन्स यहाँ रखे हुए हैं, आपको कचरा यहीं पर टेबल के आसपास नीचे नहीं गिराना है, नहीं तो बहुत तकलीफ़ होती है बाकी लोगों को। तो आप अगर कुछ खा पी रहे हो, जो भी पैकेट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो डस्टबिन में ही डालें। श्री, दो तीन डस्टबिन बढ़ा देना, ठीक है ना, कल से। तो कोशिश करके वो डस्टबिन में डालें, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़, अभी जब तक हमारी क्लासेस स्ट्रीमलाइन होंगी, तब तक तो मैं अलाउ करूँगा कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद भी बाकी लोग आ रहे हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं थोड़ा बहुत। पर जैसे ही क्लास स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, सो फिर उसके बाद मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। मतलब व्हेन आई एम हेयर ओनली आई हैव स्टार्टेड द टीचिंग। सो आपको अगर क्लास में अंदर आना है, बिल्कुल आप आइए, पर पहले परमिशन लीजिए। नहीं तो होता क्या है कि ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस टाइम पे अपने हिसाब से आना जाना चलता रहता है, तो फिर डिस्टर्बेंस होता है मुझे भी और बाकी लोगों को भी। और गलती से अगर कोई ऐसा व्यक्ति अंदर आया जिसको देखकर 50-60 लोग उसी को बस देखते रहे तो फिर क्या, मेरी टीचिंग खराब होती है। मेरी टीचिंग मतलब मैं नहीं देखता हूँ, बच्चे देखते हैं। सो ये भी ज़रूरी है कि अभी 3-4 दिन बाद ये चीज़ों को, रूल को फॉलो करिएगा। मैं आपको अंदर एंट्री दूंगा, बट आप पूछ के आइए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ बता दूं कि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बोला मैंने, प्रैक्टिस नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस करवाऊँ तो चलेगा, पर मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पर आप बाहर नहीं जाएंगे। आपको प्यास लगी है, आपको वॉशरूम जाना है, या कुछ भी है, उस टाइम पर आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन होगा आप लोगों से कि आप एक्चुअल में मन लगा के सुन रहे हो। सो जब मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, कॉन्सेप्ट को खत्म होने का वेट करिए। इफ यू फील लाइक कि हाँ, आप तो सर बस रिवीजन ले रहे हैं और कॉन्सेप्ट सर ने करवा दिया है, तो उसके बाद आप बाहर जाइए, वॉशरूम होके आना है आपको, मुंह धो के आना है, या वॉट एवर। सो आप तब कर सकते हो, बट आप कॉन्सेप्ट के बीच में मत जाइएगा। अगर कोई जाएगा और मान लो फिर मैंने देख लिया, तो फालतू का डायलॉग सुनने को मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ों को फॉलो करिएगा। फिर से रिक्वेस्ट करूं, गंदगी मत करिए, क्लासरूम आपका है, आपको बैठना है, तो आप अपने ही क्लासरूम में गंदगी मत करिएगा। आप प्लीज डस्टबिन में ही सब चीजें डालिएगा। श्री, अपने को दो तीन डस्टबिन वहां पर भी रखनी पड़ेगी, और एक आध बाहर रख देना, ठीक है।
ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग। हाथ बजा के बोलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। कैसे सब लोग? बढ़िया। सबसे पहले बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट डे है? कोई ऐसे हैं क्या जिनका आज फर्स्ट यहाँ पर सेशन है? ऑल राइट, ओके, ठीक है, ओके। और बाकी बच्चों को जिन्होंने कल अटेंड किया था, मैं उन सभी भी बात करूंगा। पहले मैं उन बच्चों से बात कर लूँ जिनका आज फर्स्ट सेशन है। जिन जिन बच्चों का फर्स्ट सेशन है, जिन्होंने हैंड रेज किया, उन लोगों ने कल का यूट्यूब वाला लेक्चर देखा क्या? किन बच्चों ने यूट्यूब वाला लेक्चर देख के आए? कोई यूट्यूब भरोसा है? उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, कॉन्सेप्ट पर नहीं आएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा वो बच्चा, भरोसा। ऑल राइट, सो ठीक है, कोई बात नहीं। यस, आज का दिन पहले मुझे बताओ कैसा गया आपका? हाँ, थकान? ये ऐसे मुंह ऐसे ही मत करना, अभी दो चार दिन में सब ठीक हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव सोच के चलना है अपने को। ओके, सो कल मैंने क्या पढ़ाया था आप सबको? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। हाँ, सो चलिए एक बार जोर से बोलो, जोर से बोलो, एडवांस अकाउंट्स की जय। चलिए, इतना जल्दी नहीं खुलना है बेटा, आपने पास समय है, मैं जब अलाउ करूं खुलने को तो खुलना है ना, अभी नहीं नहीं तो फालतू पूरा ही खुल जाओगे। तो धीरे धीरे, आराम आराम से। सो कल की क्लास में हमने कुछ बातें की थी, लाइक असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बातें की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, ये सारी हमने कल बातें की थी। और इसको हमने जब बातें कर रहे थे हम ये सारी, तो हमने उसको AS से कनेक्ट किया था। मैं बीच बीच में आपको कोशिश कर रहा था AS से कनेक्ट करवाने की, ताकि आपको रियलाइज हो सके कि हर चीज का कहीं ना कहीं AS से ही कनेक्शन है। तो आज भी हम उन्हें अपनी आगे बातों को बढ़ाएंगे, आज भी हम बातें करेंगे लाइक इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। बट उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन लेंगे और रिवीजन के आगे फिर अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैंने असेट की बात की थी, असेट मतलब बोलो, सारे बोलो, असेट मतलब कोई भी रिसोर्स जो दो कंडीशंस को फुलफिल करे। कौन सी दो कंडीशंस? पहला कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, ठीक है, कंट्रोल बाय द एंटिटी, और दूसरा इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी अवेल्ड, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। बेटा समझ में आया कि नहीं? आज मैं आपको कंट्रोल का एक और एग्जांपल देता हूं। कल मैंने आपको बोला कि कंट्रोल मतलब ओनरशिप से रिलेटेड, बोला था कि नहीं? बोला था, बोला था कि नहीं? कंट्रोल मैंने आपको बोला था कि ओनरशिप से रिलेटेड होता है। मैंने आपको कहा था कि भाई ओनरशिप अगर आपके पास है तो आप उस एसेट का कुछ भी कर सकते हो, आप उसको यूज करो, आप उसको किसी को सेल कर दो। अगर आप यूज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, किसी और को किराए पर दे रहे हो, ये आपकी मर्जी है, इसका मतलब आपका कंट्रोल है। ये आपकी मर्जी है मतलब आपका कंट्रोल है। आज मैं आपको कंट्रोल से ही रिलेटेड एक और चीज बताना चाहूंगा कि कैसे प्रूव होगा कि भाई कोई अगर मेरी एसेट है तो उसमें मेरा ही कंट्रोल है, ये कैसे प्रूफ होगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर जब भी आपको कंट्रोल के बारे में समझना हो तो एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए। अच्छा, ये सब ना बेसिक्स हो रहा है, तो आप बेसिक्स ना किसी भी रजिस्टर में लिख सकते हो। कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर आपने दो रजिस्टर बनवाने को बोले, एक चैप्टर्स के लिए अलग, एक AS के लिए अलग, बेसिक्स किस में लिखें? किसी में भी लिखो, आपकी मर्जी। वो जो आपका बेसिक वाला, ये जो चैप्टर जो आप बना रहे हो, जो रजिस्टर, उसी में अपन चैप्टर्स कंटिन्यू कर लेंगे। AS वाले में नहीं भी, वो बात की बात है, अभी जो आपका रजिस्टर चल रहा है उसी में चैप्टर्स कंटिन्यू हो जाएंगे। हाँ, तो बेसिक्स चल रहा है, बेसिक्स के लिए कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मैं ये बस चाहता हूं कि जितने बच्चे फाउंडेशन पास होके आए, जितने बच्चे डायरेक्ट एंट्री करके आए, मुझे पता है कि कहां पर वो लैग कर रहे हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो शायद मेरे कुछ बताने से और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आप लोगों को शुरू के 4-5 दिन तक कंफर्ट जोन में लाके आना चाहता हूं कि जब मैं चैप्टर शुरू करूं तो आप पहले से ही कंफर्टेबल रहो कुछ टर्मिनोलॉजी से।
सो कंट्रोल को लेकर मैं कुछ और चीजें आपको लिखवाना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल ओवर असेट? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल ओवर असेट? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल ओवर असेट? और लिखना बेटा सबको है, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल ओवर असेट? लिखिए, व्हेन वी हैव एबिलिटी, व्हेन वी हैव एबिलिटी और पावर, व्हेन वी हैव एबिलिटी और पावर टू रेस्ट्रिक्ट अदर्स, टू रेस्ट्रिक्ट अदर्स, आई बिलीव ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, टू रेस्ट्रिक्ट अदर्स, व्हेन वी हैव एबिलिटी और पावर टू रेस्ट्रिक्ट अदर, दूसरों को रोकने की एबिलिटी, आगे लिखवा रहा हूं पूरा सुनना, व्हेन वी हैव एबिलिटी और पावर टू रेस्ट्रिक्ट अदर्स फॉर यूज ऑफ सच असेट, फॉर यूज ऑफ सच असेट, फॉर यूज ऑफ सच असेट, फुल स्टॉप। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि बॉस ये कैलकुलेटर मेरा है, अब कैसे प्रूफ हो पाएगा कि ये कैलकुलेटर मेरा है? अगर आप यहां से गुजरे और आप यहां से कैलकुलेटर लेके चले गए, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं, कैसे, ऐसे कैसे, ये मेरा कैलकुलेटर है, मैं तुम्हें यूज नहीं करने दूंगा, दैट मींस कहीं ना कहीं वो एबिलिटी मेरे पास है, मेरे पास इसका बिल होगा, मैं प्रूफ कर सकता हूं, हाँ या ना? मैं प्रूव कर सकता हूं, मेरे पास इसका बिल होगा, मेरे पास इसका इनवॉइस होगा, तो मैं इससे यह प्रूव कर पा रहा हूं कि यह कैलकुलेटर मेरा है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? और मैं दूसरों को रोक पा रहा हूं कि यह असेट का यूज कर नहीं सकते तुम, इस असेट को मैं ही यूज कर सकता हूं। तुम अपने घर में रहते हो, जहां भी तुम्हारा घर है, तुम्हारे मॉम डैड का घर है, तुम्हारे घर में कोई और ऐसे कोई एंट्री करके असेट चला जाएगा क्या अंदर, कि तुम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो? बोलो बेटा, तुम उसको रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो? ओ भाइयों बहनों, प्रवचन नहीं चल रहा है, हाँ हाँ या ना मैं पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो। तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और आपके पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में मैं ऐसे ही एंट्री करके आ जाऊं, ऐसे ही अंदर घुस जाऊं, आप मुझे रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो? बिल्कुल रोक सकते हो। क्यों रोक सकते हो? क्योंकि आपके पास इतनी एबिलिटी और क्षमता है कि आप ये प्रूव कर सकते हो कि यस वो असेट आपकी है और आप मुझे बाहर कर सकते हो। तो अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी पर्सन के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी और को रेस्ट्रिक्ट कर पा रहा है कि नहीं बॉस मैं तुझे यूज नहीं करने दूंगा, इसी को कंट्रोल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं मैं दूसरों को अपनी असेट यूज करने से रोक सकता हूं। Understood or not? और ये बताओ ये कंट्रोल कैसे आएगा? Obviously ownership से। इसीलिए मैंने कल का बोला था कि कंट्रोल का रेलेवेंस किससे है? ownership से। ownership कौन से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन सी ownership होती है? मुझे वहां से आवाज नहीं आ रही, कौन सी? लीगल और डीम। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ऑल राइट। अब मैं ना आपको यहां पर कंट्रोल में और रोकना चाहूंगा। आपने अपने बचपन में सबने पढ़ा है कि सर एक होती है टेंजिबल असेट और दूसरी होती है इनटेंजिबल असेट। सर आपने टेंजिबल असेट के तो कई एग्जांपल दे दिए, सर हम थोड़ी सी ना बातें इनटेंजिबल की कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इनटेंजिबल की असेट अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक बात बताओ, कोई मुझे एग्जांपल जितना हो सके भर भर के एग्जांपल दीजिएगा इनटेंजिबल असेट्स के, एग्जांपल्स बोलो। गुडविल, पेटेंट, नो हाउ, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, स्किल्स, ओके स्किल्स, और रॉयल्टी। रॉयल्टी इज द कंसिडरेशन फॉर यूजिंग द पेटेंट। पेटेंट यूज करने के बदले में मैं जो पे करूंगा उसको रॉयल्टी बोलते हैं, नहीं? ठीक है, कॉपीराइट हो गया, और लाइसेंस, बोलो बोलो, लाइसेंस। लाइसेंस एक इंटेंजिबल असेट हो सकता है कि नहीं? चलो खुल के बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं। भाई देखो, अपन ने बात की कि असेट दो प्रकार की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल भी अगर है तो असेट तो होना जरूरी है ना। असेट की डेफिनेशन आपको कल लिखवाई थी, असेट के अंदर दो चीजें होना जरूरी है। पहला
कंट्रोल, पहला कंट्रोल और दूसरा मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस असेट को यूज करके मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, हाँ या ना? चलिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एयरटेल को लाइसेंस दिया महाराष्ट्र में ऑपरेट करने के लिए. महाराष्ट्र मतलब बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने नहीं, ट्राई ने दिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में एयरटेल कंपनी को यहां पर बिजनेस करने का एक लाइसेंस दिया. क्या ये लाइसेंस एक इंटेंजिबल असेट है? कैसे कह सकते हैं? मुझे बस ये दो चीजें बताओ, ये दो चीजें कंट्रोल और इकोनॉमिक बेनिफिट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो. कंट्रोल कैसे आ रहा है? कंट्रोल कैसे आ रहा है? सर लाइसेंस है तो लाइसेंस में किसका नाम लिखा होगा? एयरटेल का. इसका मतलब अब सिर्फ ये लाइसेंस किसके पास है? एयरटेल. मतलब एयरटेल दूसरों को रेस्ट्रिक्ट कर पा रहा है, बोलो जी. और इवन उन्होंने ये भी बोल दिया कि एयरटेल चाहे तो किसी और को ये लाइसेंस सबलीज पे भी दे सकता है. सबलीज समझते हो? क्या होता है सबलीज? मतलब दूसरे को भी मैं यूज करने के लिए दे सकता हूं. आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब एयरटेल के पास आज कंट्रोल आ गया. कंट्रोल ऐसे आ गया कि एयरटेल इसको यूज कर सकता है लाइसेंस को. एयरटेल ये लाइसेंस है, मतलब ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये एग्रीमेंट है जो मुझे गवर्नमेंट से मिला है. मैं एयरटेल हूं, ये लाइसेंस है. इस लाइसेंस में ये लिखा है कि मैं 10 साल तक ये टेलीकॉम का नेटवर्क यहां पर बेच सकता हूं, डेटा बेच सकता हूं महाराष्ट्र में. और इसमें ये भी लिखा है कि एयरटेल चाहे तो ये किसी को रीसेल कर सकता है, नेटवर्क रीसेल कर सकता है. ये भी लिखा है कि मैं किसी को किराए पे भी दे सकता हूं. इसका मतलब मेरे पास कंट्रोल करने की एबिलिटी है कि नहीं? बोलो जी, है कि नहीं? दूसरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. मुझे बताओ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे क्या मेरे को इस लाइसेंस से? किस फॉर्म में आएंगे? सर मैं इस लाइसेंस के बेसिस पे क्या करूंगा? बिजनेस. बिजनेस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? रेवेन्यू बढ़ेगा. रेवेन्यू बढ़ना मतलब क्या हुआ? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए कि नहीं हुए? बोलो जी, हुए कि नहीं हुए? हालांकि क्या ये कागज को मैं टेंजिबल मानते हुए टेंजिबल असेट बोलूं? कागज तो टेंजिबल है ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं. तो मुझे बताओ ये जो मेरे को लाइसेंस मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, इसको मैं बोलूं कि ये तो टेंजिबल हुआ है, तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, बोलो. टेल मी, मैं इसको टेंजिबल बोलूं कि इंटेंजिबल बोलूं? क्यों इंटेंजिबल? क्यों इंटेंजिबल? क्यों, जल्दी बोलो. दूसरा एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं इस एग्जाम्पल को. दूसरा एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, 1,00,000 रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदा तुमने अपनी कंपनी में यूज करने के लिए, पर उस सॉफ्टवेयर को तुम्हें 500 रुपए की पेन ड्राइव के अंदर दिया गया. उस सॉफ्टवेयर को तुम्हें 500 रुपए की पेन ड्राइव के अंदर दिया गया. ये पेन ड्राइव, अब वो जो पेन ड्राइव है, वॉट एवर द पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव है मान लो, ऐसा पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव के अंदर 1,00,000 रुपए का सॉफ्टवेयर है तो वो टेंजिबल के टेंजिबल आइटम. तो मैं इसको टेंजिबल असेट बोलूं कि इंटेंजिबल असेट बोलूं? क्या बोलते हो, इंटेंजिबल कि टेंजिबल? क्यों, कैसे डिसाइड किया? तुम अपनी सोच बोलो मुझे, कैसे डिसाइड किया? फंक्शन, काम उसका पेन ड्राइव से नहीं होगा, काम उसके अंदर के कंटेंट से होगा. द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें वैल्यू चेक करनी है कि वो जो हार्डवेयर फॉर्म है उसकी वैल्यू डोमिनेट कर रही है कि जो उसके अंदर का आइटम है, उसके अंदर का जो कंटेंट है उसकी वैल्यू डोमिनेट कर रही है. अंदर के कंटेंट की कितनी वैल्यू है? 1,00,000. और उस पेन ड्राइव की कितनी वैल्यू है? 500 रुपए. तो मुझे कौन, मुझे क्या लगता है किसकी वैल्यू डोमिनेट कर रही है? अंदर के कंटेंट की वैल्यू. तो जो डोमिनेटिंग वैल्यू होगी उसी को हम वैसा मानेंगे. डोमिनेटिंग वैल्यू किसकी है, टेंजिबल की कि इंटेंजिबल की? इंटेंजिबल की. तो इसी को हम पूरे को क्या मानेंगे, इंटेंजिबल. दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, ये सिस्टम खरीदा, सिस्टम जो अभी सामने आपको दिख रहा है, लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप आया 2,00,000 रुपए का, 2,00,000 के लैपटॉप के अंदर कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आए, कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, जनरल सॉफ्टवेयर है लैपटॉप के अंदर, क्या मानूं? पूरे लैपटॉप को टेंजिबल मानूं या फिर इंटेंजिबल मानूं, क्योंकि अंदर की फंक्शनिंग तो सॉफ्टवेयर से हो रही है, ठीक है, या फिर मैं उसका टेंजिबल अलग करूं, इंटेंजिबल अलग करूं? कितने बच्चे बोल रहे हैं टेंजिबल, कितने बच्चे बोल रहे हैं इंटेंजिबल, कितने बच्चे बोल रहे हैं अलग अलग करो? तो मतलब मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं टेंजिबल. आपने टेंजिबल क्या सोच के बोला? आपने सही बोला, पर आपने क्या सोच के बोला?
अगेन डोमिनेट, यहां पर मेजर डोमिनेंट डोमिनेंस किसका है? हार्डवेयर का. हार्डवेयर का वैल्यू ज्यादा है क्योंकि उसके जो अंदर बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, वो एमएस ऑफिस वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, उनकी वैल्यू कंप्लीट हार्डवेयर की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती. इसीलिए अपन ने पूरे आइटम को क्या माना? टेंजिबल. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको पढ़ाया जाएगा AS 26 इंटेंजिबल असेट के अंदर, और आपको पढ़ाया जाएगा AS 10 टेंजिबल असेट जिसका नाम है PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? अच्छा चलो, किसी ने बोला स्किल टैलेंट. चलो मुझे बताओ, मैंने आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया अपनी कंपनी में, मैंने आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया अपनी कंपनी में, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके पास स्किल्स हैं, फिर भी मैंने आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया ताकि आप मेरी कंपनी की वर्किंग को समझ सको. आपके और स्किल्स बढ़ गए, आपने 2-4 कोर्सेज और कर लिए, आपके स्किल्स इनहेंस हो गए, अब आप मेरी कंपनी में मुझे काम आ रहे हो, और काम इतना अच्छा आ रहे हो कि मैं अब आपको लूज नहीं कर सकता. मतलब मैं अब आपको यह नहीं सह सकता कि आप छोड़ के चले जाओ मेरी कंपनी में. अब मेरे लिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट असेट की तरह हो, क्योंकि आपका दिमाग, आपका टैलेंट मेरी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है. तो क्या मुझे आपको, आप सबको अपनी इंटेंजिबल असेट बनाना चाहिए क्या? इंटेंजिबल इसलिए क्योंकि आपका टैलेंट मुझे काम आ रहा है ना, आपका शरीर थोड़ी काम आ रहा है. आपका टैलेंट मुझे काम आ रहा है तो क्या? चलो छोड़ो इंटेंजिबल, टेंजिबल छोड़ो, आपको मुझे असेट बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको मुझे इंटेंजिबल असेट बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बोलो. कितने बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और मैं आपसे आज ये इसीलिए डिस्कस कर पा रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैं यही पॉइंट आपके सीनियर्स को पढ़ा के आया हूं. सो आई जस्ट थॉट कि चलो आपके साथ ये वाली बातें आज करूंगा, और उनको मैं ASE पढ़ा रहा था आज. जल्दी बताओ कितने बच्चे बोल रहे हैं कि असेट दिखाना चाहिए, असेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए? बस कितने बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं असेट नहीं दिखाना चाहिए? बेटा ऑप्शन ना दो ही दिए थे, तीसरा ऑप्शन नहीं था. तीसरा ये नहीं था कि हाँ और ना, दोनों चाहिए मेरे को. फिर से नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा. दोनों प्लीज 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 आप पार्ट लीजिए सब लोग. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को मैंने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया अपनी कंपनी में, समझे? तुम लोगों को GST की नॉलेज, तुम लोगों को INDAS की नॉलेज, तुम लोगों को इनकम टैक्स की नॉलेज, तुम लोगों को कंपनी मैटर्स की नॉलेज, इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया. क्या तुम सबके पास टेक्निकल स्किल है GST वगैरह की? सोचो मत ना, हाँ बोलो यार, कॉन्फिडेंस ही नहीं है साला. मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को नॉलेज है, तुम भी सोच रहे हो अच्छा हमें कब नॉलेज हो गई. अरे है, अज्यूम करो हो जाएगी ना यार. हाँ, तो तुम लोगों को ये सारी नॉलेज, मैंने तुम लोगों को हायर किया अपनी कंपनी में, तुम लोगों की अपनी, तुम्हारी स्किल्स कौन यूज कर रहा है? मैं. हाँ या नहीं? हाँ. तुम्हारी स्किल यूज करने से मुझे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? हाँ. बोलो ना. हाँ. तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे हो रहा है ना? ठीक. हाँ. है, बस मुझे ये बताओ कि मैं इस सभी अपने एम्प्लॉइज को असेट अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊं कि नहीं? आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए. प्लीज सभी लोग रेज योर हैंड. कितने बच्चे बोल रहे हैं यस दिखाना चाहिए? क्यों दिखाना चाहिए? बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया तुमने. पॉसिबल नहीं है पर दिखाना चाहिए. हाँ, और कौन था इधर से? हाँ, मुझे प्रूव करके दो, दो कंडीशन के बेसिस पर, कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं दो पॉइंट. असेट की डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, मुझे डेफिनेशन से प्रूव करके बताओ कि क्यों नहीं और क्यों, क्यों दिखाना चाहिए या क्यों नहीं दिखाना चाहिए, मुझे प्रूफ करके दो डेफिनेशन से. डेफिनेशन में दो पॉइंट थे. हाँ, अपने हाथ ऊपर ही रखिएगा, मैं पूछूंगा. डेफिनेशन में दो पॉइंट थे, कंट्रोल और दूसरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. हाँ जी, कौन सी दूसरी? कैसे? इंप्लॉई को कंट्रोल नहीं कर सकते. अच्छा, अगर मैं बॉन्ड साइन करवा लूं 5 साल का तो? अगर मैं बॉन्ड साइन करवा लूं 5 साल की, 5 साल से पहले छोड़ के गए, 5 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे.
नहीं चलेगा, रीजन बॉन्ड ब्रेकेबल है, बॉन्ड ब्रेकेबल ऐसा है कि मैं आपको 5 करोड़ दे दूंगी सर, बॉन्ड में ब्रेक कर रही हूं और मैं आपको पेनल्टी दे दूंगा, ऐसा तो भी मुझे 5 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ मिलेंगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। वो अच्छे से काम ही ना करे तो यही सोचना है बस, अच्छे से काम ही मत करो, बैठ जाओ बेटा। वैसे आंसर सही दिया इन्होंने कि आपकी सर जो पहली कंडीशन है कंट्रोल वाली वो फुलफिल नहीं हो रही। आप एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो यार, कल को उसको अच्छा पैकेज मिल जाए तो वो आपकी कंपनी छोड़ के कोई दूसरी कंपनी में चला जाएगा। इसका मतलब कंट्रोल, मैंने अभी एक लाइन क्या लिखवाई थी आप सबको, एक लाइन लिखवाई थी, एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट अदर्स। यहां मैं कॉम्पिटिटर को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने मेरे एम्प्लॉय को अच्छा पैकेज दिया, अच्छा ऑफर दिया, तो यहां मैं अदर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा हूं मेरे एम्प्लॉय का यूज करने से। इसका मतलब मेरा एम्प्लॉय छोड़ के दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है। हेयर आई डोंट हैव एनी एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट माई कॉम्पिटिटर, दैट मीन्स आई कैन नॉट कंट्रोल माई एम्प्लॉय। कुछ आया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ह्यूमन रिसोर्स को क्या हमें इंटेंजिबल असेट को दिखाना चाहिए क्या? नहीं दिखाना चाहिए। सर सर बॉन्ड साइन करवा दिया, चलो अब बॉन्ड पे आते हैं। सर बॉन्ड साइन करवा लिया कि 5 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे पेनल्टी अगर तुम छोड़ के गए, क्योंकि तुमको मैं अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहा हूं, सीईओ बना रहा हूं, अगर तुम बीच में छोड़ के गए तो तुम्हें 5 करोड़ का पेनल्टी देना पड़ेगा, तो भी मैं उसको इंटेंजिबल असेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बॉन्ड से रेस्ट्रिक्ट हो सकता है पर वो बॉन्ड तोड़ने के बाद 5 करोड़ पे भी तो कर सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? फिर भी वो बॉन्ड तोड़ने के बाद मुझे 5 करोड़ रुपए पे कर सकता है। सर तो 5 करोड़ भी तो आपको मिलेंगे, ये बात भी ठीक है, पर लास्ट में आएगी ये बात कि चलो मैंने कंट्रोल कर लिया बॉन्ड के थ्रू, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी मुझे उससे एक्सपेक्टेड है। सवाल ये उठता है, कल जाते जाते मैंने आपको 4 वर्ड सिखाए थे, एएस के रोल्स पढ़िए जाके, एएस के रोल्स, उसका दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर मेजरमेंट। एम्प्लॉय को अगर मैं असेट दिखा भी दूंगा, कितनी वैल्यू पे दिखाऊंगा? वैल्यू क्या होगी उसके टैलेंट की? हाँ, उसके टैलेंट की क्या वैल्यू होगी? हाउ आई शुड मेजर दैट वैल्यू? आई एम नॉट एबल टू मेजर दैट वैल्यू। हेंस फॉर दिस कंक्लूजन, इवन दो अगर 2 कंडीशन फुलफिल हो भी गई, कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, लास्ट में आके एएस, एक ने एएस आके बोल देता है कि भाई तू मेजर करके बता। अगर हम मेजर ही नहीं कर सकते मनी टर्म्स में एम्प्लॉय की टैलेंट को, तो ऐसे केस में हम असेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कुछ आया समझ में कि नहीं? मैं चाहता हूं कि आप ये चीज अपनी भाषा में लिखें, एम्प्लॉय वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बोला। मैंने आपको बोला कि भाई अगर एक एम्प्लॉय को हायर किया जाए बिकॉज ऑफ हिज टेक्निकल स्किल्स, तो हमें उसको असेट नहीं मानना चाहिए अपने बुक्स में। क्यों नहीं मानना चाहिए? मैंने आपको बोला एक कंट्रोल के कारण, और कंट्रोल अगर फुलफिल हो गया बॉन्ड के कारण भी, तो भी हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, उसकी वैल्यू मेजर नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं आप इसको लिखो, मैं नीचे आ रहा हूं आपकी कॉपी पढ़ूंगा, रेंडमली मैं किसी का भी देख सकता हूं, और बाकी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी प्लीज। डिपेंड करता है कि मैं उसको कौन सी पोजीशन पे हायर कर रहा हूं और मैं उसको कितनी सैलरी दे रहा हूं। ऐसा तो एम्प्लॉय को हम अपनी असेट नहीं दिखा सकते, चाहे उसका टैलेंट हमारे लिए कितना भी काम का है, हम उसको अपनी असेट नहीं दिखा सकते। लिखा, बताओ। एम्प्लॉयज टैलेंट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, एम्प्लॉय कैन नॉट, नहीं ऐसा लगभग समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड नहीं कर सकता, एम्प्लॉय का टैलेंट
कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन असेट. इट कैन नॉट कंट्रोल नहीं, एंटिटी कैन नॉट कंट्रोल. दूसरा पॉइंट सही लिखा है. भेजो कॉपी, पास करो. लिख लिया सबने? हाँ जी, लिखा कि नहीं? तो सर ये जो हमने बात लिखी, सर ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात AS 26 में लिखी हुई है. इस बात का रेलेवेंस किससे है? AS 26 से. तो अगर रेफरेंस के लिए डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आगे तो हम पढ़ेंगे ही सही. ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको ऐसे AS के नाम पे लिख रहे हैं तो अभी AS लिखना ही पड़ेगा, डोंट वरी. तो कल की क्लास में हमने असेट और लायबिलिटी पढ़ा. लायबिलिटी में फॉर्मूला बताया था मैंने. क्या फॉर्मूला था लायबिलिटी का? लायबिलिटी का फॉर्मूला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हमेशा रिजल्टिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट. पास्ट में कुछ ना कुछ किया, इसीलिए आज मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आई है. प्लस कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. आउटफ्लो. आउटफ्लो हमेशा कैश में हो सकता है क्या? काइंड में भी हो सकता है. हो सकता है कि नहीं? प्लस लायबिलिटी है तो अमाउंट की सर्टेनिटी होगी कि कितना देना पड़ेगा. पर अगर सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ एस्टीमेट कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो प्रोविजन बन जाएगा. अच्छा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ आउटफ्लो होगा. आया समझ में कि नहीं? ऑल राइट. फिर हमने असेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नाम बोलो? स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कितनी चीजें आती है? कौन कौन सी चीजें आती है? बैलेंस शीट, SPL. SPL का फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ट्रेडिंग वाली चीजें भी उसी के अंदर आ गई. समझा कि नहीं? उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस. उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स. एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. अच्छा जी, तो मुझे बताओ नोट्स टू अकाउंट्स कैसे दिखते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? बोलो 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 बोलो. नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? बोलो बोलो. डिसएग्रीगेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट का डिसएग्रीगेशन. जैसे ये जोमैटो की बैलेंस शीट है, यहां पर आपको स्टैंड अलोन में क्या दिख रहा है? यहां पर ये आ गए हम स्टैंड अलोन में. ये तो कैश फ्लो है. ये P&L, यहां आपको क्या दिख रहा है? 26 नंबर. जैसे ये 26 नंबर है, ये 25, 22. ये क्या है? ये सब क्या है? ये नोट्स टू अकाउंट्स की नंबरिंग है. ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे ये जानना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है जोमेटो का 36,110. बस 36,000 रुपए सर, हमारी तो फीस इससे ज्यादा है. हाँ, करोड़ नहीं. याद है मैंने कल कुछ राउंडिंग ऑफ रूल बताए थे? कोई बता दे राउंडिंग ऑफ रूल क्या क्या था. बोलो, राउंडिंग ऑफ रूल क्या था? अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के नीचे है, 100 करोड़ के नीचे है, तो वो अपने सारे फिगर्स को राउंड ऑफ करेगी. नियरेस्ट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस, इन चार में से किसी भी तरीके से, उसकी मर्जी. समझा कि नहीं? पर अगर उस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, 100 करोड़ टच भी हो गया तो भी, तो क्या वो 100 यूज कर सकती है क्या? रुपीज इन 100 कर सकती है क्या? नहीं. रुपीज इन थाउजेंड्स कर सकती है क्या? नहीं.
थाउजेंड नहीं यूज कर सकते, क्या कर सकते हैं? लैक्स, या फिर मिलियंस, या फिर करोड़। अच्छा, अब आपको मैं एक छोटी सी राज की बात बताऊं। अगर कल को क्वेश्चन आ गया, अगर कल को क्वेश्चन आया कि हाँ, अगर कल को क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में और सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में है, रुपीज इन लैक्स में है, और कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है कि सर मैं ये रुपीज इन लैक्स में नहीं लिखूंगा, मैं सारे फिगर जीरो जीरो पूरा लैक में लिख के आऊंगा, एक बच्चा ऐसा करके आया उसको मार्क्स नहीं मिले, कुछ पढ़ने में आ रहा है सामने आपको स्क्रीन में क्या लिखा है? नो मार्क्स एज इट इज इन एब्सोल्यूट नंबर, क्वेश्चन था रुपीज इन लैक्स का, और वो बेचारा पूरा पूरा लिख के आया, उसने बोला मैं पूरा पूरा लिखूंगा, उसको मार्क्स नहीं मिला। और ये पता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 15 मार्क्स का। तो जैसा क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ लिखा है आप वही यूज करोगे। अगर क्वेश्चन आया और उसमें सारे फिगर्स रुपीज इन थाउजेंड्स हैं, मतलब 3 जीरोस, आपको भी सॉल्यूशन, कैलकुलेशन, बैलेंस शीट, P&L रुपीज इन थाउजेंड्स में ही बनाना है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो पूरे पूरे नंबर लिख के आऊंगा, मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूं। नो, डोंट यूज इट। समझा कि नहीं? ये चेक्ड कॉपी है, ये ऐसा उसके साथ हुआ है, एंड वो 4 मार्क्स से CA बनते हुए रह गया। क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे आया, मैं बता देता हूं, सपोज ये जैसे 36,000 है ना, और ये क्या है? रुपीज इन मिलियन। बैठ जाओ, रुपीज इन मिलियन है। तो उसने क्या किया, इनटू मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6 जीरो। तो वो फिगर्स को सारे जीरोस के साथ लिख के आया, 0000 मिलाकर लिख के आया। समझा कि नहीं? तो उसको गलत कर दिया गया, मतलब उसका पूरा टैली हो रहा था पर गलत कर दिया गया। ऐसा नहीं कि हर आइटम के बगल में रुपीज इन लैक लिखना पड़ेगा, आप ऊपर लिख लोगे ऐसा चलेगा, रुपीज इन मिलियन, रुपीज इन लैक, पर सारे अमाउंट भी इन मिलियन या इन लैक ही होने चाहिए, हर फिगर पूरे एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होना चाहिए। समझे? ये ध्यान रखिएगा सब लोग, रखोगे कि नहीं? Yes, हाँ। तो मुझे बताओ, अगर मुझे जोमैटो के 36,110 का हिसाब किताब पता करना है कि भाई उसने क्या क्या कमाया, कहां जाऊं, कौन से नंबर नोट पे? 20। तो चलो 20 नंबर नोट पे चलते हैं, नोट्स वो अकाउंट्स में चलते हैं, 20 नंबर नोट। ये है 4 नंबर नोट, 5 नहीं यार, ये तो है ही नहीं, पूरा भी आया नहीं है इसमें, एक सेकंड। दूसरा वाला बता दो मुझे, ये बता दो, क्योंकि वो वाला नोट दिख नहीं रहा। अदर इंटेंजिबल असेट नोट नंबर क्या है? 4। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये अदर इंटेंजिबल असेट जो 4 है, 12,093, ये कैसे मालूम पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा? तो इस 12,093 में बहुत सारे आइटम होंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसएग्रीगेशन, मतलब ये 12,000 कौन कौन सी चीजों से मिलके बना, उसका बाइफरकेशन दिखाना। तो अगर हम 4 नंबर नोट में जाएं, फोर्थ नंबर नोट ये रहा, इसको मैं सीधा कर देता हूं, इंटेंजिबल असेट्स क्या क्या है भाई इनकी इंटेंजिबल असेट्स में, देखना तो कौन कौन से असेट्स हैं? वेबसाइट, सर ये नॉन कंपीट क्या होता है? नॉन कंपीट को इन्होंने इंटेंजिबल असेट बना लिया, ये होता क्या है नॉन कंपीट? किसी कॉम्पिटिटर को अच्छा खासा कॉम्पनसेशन दे देना और कहना कि निकल, कॉम्पिटिशन में मत आ,
उसके लिए उसको मैंने अच्छा खासा कॉम्पनसेशन दिया, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉम्पीट फीस. कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा. उसको कहते हैं नॉन कॉम्पीट फीस. समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर मैं चाहता हूं, देखो सिंपल सा है, इसको बहुत ही छोटे लेवल पे समझते हैं. मेरी आज एक दुकान है, बगल में एक नया आदमी आया, अपनी दुकान खोल रहा है, मुझे लग रहा है कि नहीं भाई मेरा धंधा ले जाएगा. मैंने उसको दे दिया पूरा एक कॉम्पनसेशन. मैंने बोला 2 साल तक इधर दिखना मत, ये पैसे रख और 2 साल तक दिखना मत. जो मैंने उसको पैसे दिए उसको मैं क्या नाम दूंगा? नॉन कॉम्पीट फीस. कुछ आया कि नहीं समझ में? सर उसको वो इंटेंजिबल क्यों दिखा रहा है? बेटा डेफिनेशन में जाओ. कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. जल्दी बोलो. पहला कंट्रोल है कि नहीं? क्या कंट्रोल है? 2 साल का पैसे दे दिया ना मैंने उसको, इसका मतलब मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बोलो जी. दूसरा ऑब्वियसली उसको भगाया है, तो इसका मतलब बाकी कस्टमर भी मेरे पास ही आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. कुछ आया समझ में कि नहीं? और लास्ट में क्या लिखे उसका? गुडविल. बेटा क्लियर हुआ? हाँ जी. हाँ बिल्कुल, वहां पर ये बात सही बोल रहे हो. बैठ जाओ. कि अब क्या होता है ना, इसमें उस एग्रीमेंट को वैलिड भी किया जा सकता है. उसकी एक एग्रीमेंट की वैल्यू होती है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है. बट क्या है बेटा, अब उससे चीजें और आगे निकल चुकी हैं. इसके अंदर कुछ कोर्ट केसेस आ चुके हैं कि नॉन कॉम्पीट फीस देने पर हटाया जा सकता है. कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं उसमें. सो इसीलिए दिस इज वैलिड बेसिकली. ठीक है. गुडविल कितने प्रकार की होती है? गुडविल कितने प्रकार की होती है सर? अच्छी और बुरी. वाह वाह, ऐसी बताओ जो बुरी हो. गुडविल 2 टाइप की होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल. लिखो टाइप्स ऑफ गुडविल. टाइप्स ऑफ गुडविल. टाइप्स ऑफ गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल. और परचेज्ड गुडविल. सर अगर फीस देने के बाद ही बिजनेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोर्ट केस करेंगे, क्योंकि वो एग्रीमेंट मैंने बोला वैलिड होगा, तो डेफिनेटली वो बिजनेस नहीं कर सकता. अदरवाइज मैं उससे कॉम्पिटिशन जो नॉन कॉम्पीट फीस दी थी उसके मैं उससे मैं वापस ले सकता हूं. हाँ, गुडविल 2 टाइप की, कौन कौन सी? सेल्फ जनरेटेड और परचेज. पहले शुरू करते हैं परचेज गुडविल से. बेटा परचेज गुडविल तब आती है जब हम किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं, मर्जर्स करते हैं, एक्विजिशंस करते हैं. जब हम किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं ना, तो क्या आती है? परचेज गुडविल. कौन सी गुडविल? तो नीचे हेडिंग डालिए परचेज गुडविल के बारे में लिखना है मुझे कुछ. मैंने आपको बोला गुडविल 2 टाइप की. पहला कौन सा? परचेज्ड. दूसरी सेल्फ जनरेटेड. परचेज गुडविल की बात करते हैं. परचेज्ड गुडविल कब आती है सर? ये लिखेंगे इन केस ऑफ एक्विजिशंस और मर्जर्स. किसी कंपनी को टेक ओवर करना ऑब्लिक टेकन ओवर. टेक ओवर ऑफ बिजनेस. बिजनेस को टेक ओवर करना. जब हम किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, तो परचेज गुडविल आ सकती है. कैसे आएगी? इसके नीचे. कैसे आएगी सर? देखो आज अगर तुम मार्केट में कैलकुलेटर खरीदने जाओ तो पैसे दोगे कि नहीं दोगे? वैसे नहीं देंगे. देंगे ना बेटा. हाँ, तो वैसे ही अगर मैं उस कंपनी के बिजनेस को खरीदने जा रहा हूं तो हम भी कुछ पे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना. तो जब भी हम किसी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो जो खरीदने वाली कंपनी होती है, बायर कंपनी होती है, बायर कंपनी जो पे करती है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन. क्या बोलते हैं?
अगर कैलकुलेटर तुम्हें 500 रुपए में खरीदने को मिला, तुमने 500 रुपए दिए, तो 500 रुपए को तुम क्या बोलोगे? परचेज कंसीडरेशन। और उसके बदले में तुम्हें क्या मिला? कैलकुलेटर। कुछ आया समझ में कि नहीं? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुमने मोबाइल परचेज किया, बिल्कुल पैक डब्बा मोबाइल, उसके अंदर दो तीन चीजें आइटम होंगी। तुमने वो मोबाइल परचेज किया 1,00,000 रुपए का, तो 1,00,000 रुपए को तुम क्या बोलोगे? परचेज कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे? अब मोबाइल का तुमने डब्बा ओपन किया, मोबाइल के डब्बे में क्या क्या निकला? जल्दी बोलो, एक एक करके जल्दी बोलो, मोबाइल के डब्बे में क्या निकला? सबसे पहले हैंडसेट, बोलो ना। अज्यूम हैंडसेट जो निकला, दैट इज योर असेट्स। क्या निकला वो? असेट्स। दूसरा और क्या निकलेगा? चार्जर, मतलब लायबिलिटी। अब एक एक करके चीजें निकलती जा रही हैं। बिजनेस खरीदा, मतलब बिजनेस के अंदर होती है असेट लायबिलिटी। वैसे ही मैं बिजनेस को मोबाइल के डब्बे के समान मान रहा हूं। अज्यूम करो कि वो बिजनेस जो है वो मोबाइल का डब्बा है, और मोबाइल का डब्बा ओपन कर रहे हो तो उसमें से मोबाइल फोन निकल रहा है, मतलब बहुत सारी असेट्स निकल रही हैं। चार्जर निकल रहा है, मतलब कई सारी लायबिलिटीज निकल रही हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो बेटा। मोबाइल का डब्बा, पूरा मोबाइल कितने में खरीदा था? हाँ, 1,00,000। और उसमें से एक एक करके चीजें निकली। अब वैसे ही इमेजिन करना कि तुमने बिजनेस खरीदा, और बिजनेस जब खरीदा तो उसमें से एक एक करके चीजें कैसे निकली। तुमने किया पीसी, लिखो पीसी पेड। पीसी मतलब ढीलों बोल नहीं रहे हो, परचेज कंसिडरेशन। पीसी पेड परचेज कंसिडरेशन 12,00,000। 12,00,000 रुपए का पीसी दिया, 12,00,000 रुपए का पीसी दिया। तुम्हें उसके बदले क्या मिलेगा? बोलो, बिजनेस मिलेगा। क्या बोलेगा? तुमने एक्विजिशन किया तो तुमने क्या दिया? 12,00,000 रुपए दिए, पर तुम्हें क्या मिलेगा? बिजनेस मिलेगा। बोलो, बिजनेस मिलेगा। बिजनेस मिलेगा। सो अक्वायर्ड, लिखो अक्वायर्ड बिजनेस। सर बिजनेस के अंदर क्या होगा? मान लो बिजनेस एक मोबाइल का डब्बा है, मान लो बिजनेस एक मोबाइल का डब्बा है, बिजनेस के अंदर क्या क्या होगा? बोलो, डब्बा खोलोगे तो क्या क्या मिलेगा? एसेट्स और लायबिलिटी। तो लिखो, एक्वायर्ड बिजनेस मींस वी अक्वायर्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज। वी अक्वायर्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको और शॉर्ट कर देते हैं, मींस नेट असेट्स। क्या बोलेंगे इसको? नेट असेट्स। सर नेट असेट मतलब असेट में से लायबिलिटी माइनस होगा तो क्या बचेगा? नेट असेट। तो मुझे बताओ, तुमने क्या दिया? पीसी। तुम्हें क्या मिला? नेट असेट। सर नेट असेट में क्या क्या खुला? बिल्डिंग, ठीक है, फिर डेटर्स। मैं बहुत ही लिमिटेड चीजें लिखूंगा ताकि जल्दी जल्दी समझ में आए। तुमने कितना पीसी दिया? तुम्हें बिल्डिंग मिली, लिखो बगल में बिल्डिंग, 4,00,000। तुम्हें डेटर्स मिले, 2,00,000। तुम्हें इन्वेंटरी मिला, 9,00,000। बोलो असेट कितने की हो गई? गिनो, 15। वेरी गुड। फिर तुम्हें कुछ क्रेडिटर्स मिले, उसके बिजनेस के कुछ क्रेडिटर्स भी तुम्हारे हो गए, क्योंकि तुम उसके बिजनेस को खरीद रहे हो। नेट असेट मतलब असेट माइनस लायबिलिटी। हाँ तो मैं माइनस करूंगा ना, मुझे करने तो दे, रुक जा भाई, थोड़ा सा समझने तो दे। 2+4+2+9, यहां तक क्लियर है कि नहीं? कितना हो गया टोटल? 15। मैंने उस कंपनी के क्रेडिटर भी लेके आ गया अपने पास। क्रेडिटर कितने के थे? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर थे, लेट अस से 4,00,000 के क्रेडिटर थे, 4,00,000 के। अब मैं करूंगा इसको माइनस, मुझे बताओ नेट मेरे पास कितना आया? मेरे पास कितना आया? 11,00,000। अब बताओ, कंपेयर करो, मैंने कितने का मैंने बिजनेस खरीदने के लिए कितना पे किया? कितना पे किया? जबकि मुझे बिजनेस की जो औकात है, बिजनेस की जो वैल्यू है, वो कितने की मिली? 11,00,000 मिली। मिली कि नहीं मिली?
कितना एक्स्ट्रा पे किया? हाँ जी, क्या मैं मुझे मुझे मतलब क्या मैं नुकसान करके आया अपना? क्या मुझे किसी ने ठग लिया कि हाँ देखो 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आया? फिर क्यों गुडविल? क्यों गुडविल? क्यों? मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 12,00,000 रुपए दे दिए, नुकसान हो गया, 11,00,000 रुपए का बिजनेस खरीदा था, 1,00,000 रुपए मैंने ज्यादा पे करके आया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। जब मर्जर्स एक्विजिशंस होते हैं तो हर एक असेट लायबिलिटी की वैल्यू निकलवाई जाती है एक्सपर्ट से, तो ये वैल्यू मुझे पहले से ही पता है, पर मैं फिर भी सामने वाले को 12,00,000 रुपए दे रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि उस कंपनी के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, पर वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। वो मैं आइडेंटिफाई, उसके कुछ कारणों से उसके कुछ ब्रांड वैल्यू होगी, उसकी कुछ पॉजिटिव इमेज होगी मार्केट में, उसके इंप्लॉय अच्छे होंगे, उसकी टेक्निकल स्किल होगी उसकी कंपनी के अंदर, उसके पास कोई टेक्नोलॉजी होगी, पर बैलेंस शीट में उसकी ये चार चीजें दिख रही हैं, बिल्डिंग, डेटर्स, इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स। कुल मिला के उनकी वैल्यू कितनी है? 11। मैंने उसको कितने पे किए? 12। मैं ज्यादा जो 1,00,000 रुपए पे कर रहा हूं, प्लीज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आज मैं उसको 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ये 1,00,000 रुपए आराम से फ्यूचर में वसूल हो जाएंगे। एक बार कंपनी टेक ओवर तो कर लूं, इस 1,00,000 को मैं आराम से वसूल कर लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंपनी मेरे पास आ रही है उसके अंदर इंप्लॉयज अच्छे हैं, उसकी ब्रांड इमेज है, पर क्योंकि इंप्लॉय उसकी बैलेंस शीट के अंदर दिख नहीं रहे, ब्रांड इमेज उसके बैलेंस शीट के अंदर दिख नहीं रही है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर बैलेंस शीट में दिख नहीं रही है, उसको मैं बोल रहा हूं गुडविल के नाम से दिखा दो। किसके नाम से दिखा दो? ऐसी चीज को कहते हैं परचेज गुडविल। कुछ आया समझ में कि नहीं? पक्का क्लियर हुआ कि नहीं? सो व्हेनेवर वी अक्वायर एनी कंपनी एंड इफ वी पे हायर, मैं 12,00,000 रुपए दे रहा हूं और मुझे मिल कम रहा है, तो मैं बाकी के अमाउंट को गुडविल मानूंगा। सर गुडविल ही क्यों मानोगे, कुछ और क्यों नहीं? यही तो पॉइंट है, कुछ और इसलिए नहीं क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं ना। कुछ चीजें हैं जो इंप्लॉय अच्छे हैं, पर इंप्लॉय को मैं मेजर नहीं कर सकता, अभी अपन ने बात की कि नहीं की। उसका कुछ ब्रांड वैल्यू है, पर ब्रांड वैल्यू से कितने का वैल्यू है मैं ब्रांड को भी मेजर नहीं कर सकता। तो एएस कहता है कि जब भी तू किसी कंपनी को अक्वायर करते वक्त ज्यादा पे कर दे और तू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि मैं क्या नाम दूं, तो उसको एज अ गुडविल नाम दे दे। कुछ आया समझ में कि नहीं? अब कुछ बच्चे यहां पर ये बोल रहे थे कि सर ये गुडविल तो शो हो नहीं सकती। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन में पढ़ा कि सर गुडविल कैसे शो हो रही है। गुडविल शो हो सकती है अगर वो परचेज्ड गुडविल हो। कौन सी गुडविल हो? परचेज्ड गुडविल हो। और ये कहता है आपका एएस नंबर 14। एएस 14 ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम एएस 14 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं? सर एक डाउट है, 12,00,000 ज्यादा है, 11 माइनस है। सर यहां 13 होता तो? सर यहां पर 13 होता तो फिर तो सर गुडविल नहीं आती। बिल्कुल, अगर 13 होता, अगर मुझे बिजनेस की वैल्यू जो मिली है वो 13,00,000 की मिली है, उल्टा मैंने 12,00,000 पे किए, मतलब कम पे किया है, तो वो मेरी गुडविल नहीं है, वो मेरा कैपिटल नेचर का फायदा हो गया। उसको मैं बोलूंगा कैपिटल रिजर्व। क्या बोलूंगा बेटा मैं? कैपिटल रिजर्व। तो अच्छा चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा कंक्लूजन करते हैं। अगर पे ज्यादा किया मिला कम, तो बाकी को मैं क्या मानूं? गुडविल। और अगर पे कम किया मिला ज्यादा, तो बाकी को मैं क्या मानूं? कैपिटल रिजर्व। तो सर हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं? क्या फॉर्मूला बना सकते हैं बोलो? गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। पीसी माइनस वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। और दूसरा था कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू बोलो वैल्यू ऑफ नेट असेट्स माइनस पीसी।
कभी नेट लायबिलिटी नहीं बोलते, नेट असेट ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बिल्डिंग डेटर इन्वेंट्री, इनकी वैल्यू कितनी है? लायबिलिटी से तो ज़्यादा ही है ना, तो आप नेट लायबिलिटी क्यों बोलोगे? नेट लायबिलिटी तो तब बोलोगे ना जब लायबिलिटी की वैल्यू असेट से ज़्यादा हो। मैंने ये थोड़ी बोला कि लायबिलिटी की वैल्यू असेट से ज़्यादा है, मैंने ये बोला कि इन सबकी वैल्यू पीसी से ज़्यादा है। सर ये कॉन्सेप्ट आप किस में पढ़ोगे? AS 14 में पढ़ोगे। AS 14 का नाम है अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज जब टेक ओवर होते हैं, मर्जर्स होते हैं, तो AS 14 लगता है। बेटा आया समझ में कि नहीं? सर 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 दूसरी चीज अभी रह गई, गुडविल। कौन सी गुडविल थी बची? हाँ अब बताओ सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? सर नाम ही समझ में आ रहा है, क्या होती है? खुद की बनाई हुई, खुद के बिजनेस की गुडविल। क्या हम उसको बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमने उसको खरीदा नहीं है, खरीदने के लिए पे नहीं किया, तो हमने उसको बनाया है। और क्योंकि हमने उसको बनाया है, इट कैन नॉट बी, लिखो, इट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। इट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। मैं इसको मेजर नहीं कर सकता, और अगर कर भी लिया तो वो कोई रिलायबल वैल्यू नहीं होगी, भरोसे लायक नहीं होगी। रिलायबल मतलब भरोसे लायक, जिस पे भरोसा करके डिसीजन लिया जा सके। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। लिखो, हैंस इट शुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड। बेटा रिकग्निशन का मतलब क्या होता था? कल मैंने बोला था रिकग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना, तो हैंस इट शुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड मतलब शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। आई बात समझ में कि नहीं? तो बताइए कौन सी वाली गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? परचेज को। कौन सी को नहीं करते हैं? परचेज गुडविल। कौन से केस में आती है? कौन से केस में आती है? जब पीसी ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? जो भी मुझे नेट एसेट की वैल्यू मिली उससे मैंने ज्यादा पे किया, तो जो एक्स्ट्रा पे किया वो किस किस चीज के कारण पे किया होगा? वो किस किस कारण से पे किया होगा? मे बी अच्छे एम्प्लॉइज, टेक्नोलॉजी, ब्रांड, बहुत सारी चीजें होंगी। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं कौन सी चीज है, इसीलिए एक ही नाम। क्या नाम? गुडविल। जब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं तो एक ही नाम आएगा, गुडविल। आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा समझा कि नहीं? ऑल राइट, सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कल आपको असेट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिखवाई थी, अब अपन लिखेंगे इनकम्स। इनकम्स, ऑनलाइन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर फिर हम जो पार्टनरशिप फाउंडेशन में पढ़ के आए थे तो सर उसमें फिर गुडविल को तो मेजर करते थे सर, वो पार्टनरशिप में, और क्या बोलते हैं उसमें रिटायरमेंट के टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर वो हम करते थे। हाँ वो करते थे ना, क्योंकि अब नहीं करेंगे, और इसीलिए तो पार्टनरशिप चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया कि वो फालतू था, बेकार था, वो उसका कोई सेंस ही नहीं था। एक्चुअली वो फालतू चीजें होती थी, वो नहीं करना चाहिए। और वो कैसे करते थे? उसमें भी लॉजिकली इंस्टीट्यूट ने बाद में क्वेश्चन को ठीक करना शुरू किया। पहले इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में, पुराने पुराने क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट बोलता था कि गुडविल को रेस करो, पर आगे चल के उन्होंने बोलना शुरू किया रेस करके राइट ऑफ करो, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बांटो। मतलब वो भी समझ गया कि नहीं 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 फालतू हम गलत पढ़ा रहे हैं, तो गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाने का कोई सेंस नहीं है। अरे नहीं सर, हम सर बस पास होके आए ना, बस बातें मत करो, ये बातें करके आप हमें जलील कर रहे हो सर। मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा ऐसे जलील करता रहूंगा, आपके फाउंडेशन की बातें आपको याद दिलाता रहूंगा, या बीकॉम वालों को भी याद दिलाता रहूंगा कि तुमने भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी पढ़ी हुई हैं। चलेगा ना? हमें जलील करने के लिए हमसे ही पूछ रहे हो? देखो थोड़ा सा याद आए तो ठीक है, याद नहीं आए तो कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर वन, पार्टनरशिप में गुडविल का कॉन्सेप्ट था। हाँ था। पार्टनरशिप में गुडविल को रिकॉर्ड करते थे। हाँ करते थे। तो सही करते थे? नहीं, गलत करते थे, पर कुछ हद तक सही ये था जब तक वो गुडविल को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करवा देते थे, वो सही था।
या वो बोलते थे कि गुडविल जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का 1/5 हिस्सा लेके आएगा, याद है ऐसा कुछ होता था, या जो रिटायरिंग पार्टनर है वो गुडविल का 1/5 हिस्सा लेके जाएगा, उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते थे। आई बात समझने की नहीं? तो वो जो लेके आता था, लेके जाता था, वो एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसमें गुडविल हम रिकॉर्ड विकॉर्ड कुछ नहीं करते थे, तो उतना हिस्सा सही था। पर जितना हिस्सा था कि भाई गुडविल को रिकॉर्ड करो वो गलत था, ठीक है, वो एएस के अकॉर्डिंग गलत था। और अब पार्टनरशिप आपके आपके सिलेबस में नहीं है, पुराने वाले ओल्ड सिलेबस में पार्टनरशिप था, इंटर में भी पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप को हटा दिया गया है, ठीक है। सो अब पार्टनरशिप की बातें करनी नहीं है अपने को, क्योंकि वो गलत ही ट्रीटमेंट था थोड़ा बहुत जो था। तो हाँ, इनकम, बेटा इनकम पूछने, इनकम की डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं चाहता हूं कि ना मुझे कुछ बातों को मतलब समझाइए। रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क है? रेवेन्यू और इनकम, ये दो शब्द, रेवेन्यू और इनकम, रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क है? रेवेन्यू सेल से होता है और इनकम सेल से नहीं होता। इनकम मतलब कमाया, वो तो प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड होता है। एग्जांपल देके बोलो। ₹10 का रेवेन्यू सेल हुआ, ₹4 प्रोडक्शन में लगे, हाँ, तो ₹6 हुई इनकम, तो प्रॉफिट नहीं हुआ वो। अच्छा, तो इसका मतलब इनकम और प्रॉफिट एक ही चीज है। चलो, तुमने अब एक और चीज मुझे बता दी, रेवेन्यू वर्सेस इनकम वर्सेस प्रॉफिट। सर चलो वर्सेस गेन्स। देखो यार, मैं चाहूं तो ये सब चीजें स्किप करके बोलूं कि चलो चैप्टर शुरू करते हैं, पर मैं चैलेंज से बोल सकता हूं कि इस पूरी क्लास में 50% बच्चों को पता होगा, 50 को नहीं पता होगा, ठीक है ना। और हम ये चीजें अगर बिना जाने आगे बढ़ें तो ना, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, हमने हमें ना ये शोभा नहीं देता। हमें समझना पड़ेगा कि हाँ यार, कुछ चीजों में फर्क तो होता है, और हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो ये माइंड में आया होगा यार, रेवेन्यू कब बोलते हैं, इनकम कब बोलते हैं, गेन कब बोलते हैं, प्रॉफिट कब बोलते हैं। तो ऐसी कुछ बेसिक चीजें समझ लें तो बेटर रहेगा। कौन बोलना चाहेगा इस पे कुछ, अगर बोलना चाहता हो तो थोड़ा सा हाई वॉल्यूम। बिजनेस की एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं और उससे जो पैसा आया वो रेवेन्यू। न्यूज़पेपर खरीदा, उसको सेल किया, एनपीओ है ना, हाँ, न्यूज़पेपर बेचा, उसकी जो आया वो इनकम हुई। मतलब इनकम मतलब ऐसी कोई भी इनफ्लो जो कि अदर कोई एक्टिविटी, छोटी मोटी एक्टिविटी करने से आया। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, हाँ रेवेन्यू बिजनेस ऑपरेशन से मिलता है, इतना मुझे सुनाई दिया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बिजनेस से इनकम मिलता है, नहीं यार, ना 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 ना, हाँ बैठ के भी आंसर कर सकते हो, कोई नहीं, बोलो, शांत रहिए, थोड़ा तेज। ठीक है, कुछ बच्चों का मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ, कुछ बच्चे सही भी लिख रहे हैं और कुछ बच्चे सही नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और कौन बोलना चाहेगा? यस, हाँ, जो मैंने कल एग्जांपल दिया था रिलायंस वाला 38,000 शेयर्स,
जो बाकी जो बच गया, जो डिफरेंस आया वो गेन था. वेरी गुड. और रेवेन्यू बेटा? जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी करने से सेल होती है वो वाला रेवेन्यू होता है. तो इनकम बेटा? तो इनकम क्या होती है? मेरे को इनकम अभी तक तुमने नहीं बताई. चलो बैठ जाओ उधर से. यस. रेवेन्यू मतलब? वो तो प्रॉफिट होता है, वो इनकम थोड़ी होती है. नहीं, रेवेन्यू ठीक बताया पर नहीं. यस. जो पूरा सेल किया तो ग्रॉस अमाउंट जो आया वो रेवेन्यू. उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो प्रॉफिट किसको बोलते हैं फिर? प्रॉफिट कुछ और होता होगा तो प्रॉफिट बताओ. प्रॉफिट क्या होता है? आपने बोला जो ग्रॉस आया वो रेवेन्यू, एक्सपेंस माइनस कर दिए तो इनकम, तो फिर प्रॉफिट. सर इनकम और प्रॉफिट इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं. इनकम और प्रॉफिट एक ही बात है सर. घर में मुझे मुन्नी बुलाते हैं सर, मेरा नाम घर पे मुन्नी है, तो वैसे ही घर पे उसका नाम प्रॉफिट है इनकम का. ऐसा कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट फिर क्या है? ईच ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द. तो इंग्लिश बोल के उलझा मत मेरे को. ना 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 ऐसे नहीं. हाँ इंग्लिश मीडियम. हाँ बोल फिर से. हालांकि स्टेट बोर्ड बट इंग्लिश मीडियम. फिर से बोल. तू हिंदी में क्यों बोल रहा है? इंग्लिश में बोल. नहीं 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 इंग्लिश में बोल. बट तूने जो बोला ईच एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस मतलब क्या? नहीं 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 तेरे हिसाब से रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट हो रहा है. नहीं 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 हाँ भाई सुन लिया था मैंने. भाई सुन लिया था. हाँ चुप हो जाइए. ये लास्ट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, अदरवाइज मैं जो बोलूंगा फिर सुनना पड़ेगा अच्छे से और लिखना पड़ेगा. हाँ वेट. जितना भी पैसा एंटिटी के पास आया, जितना भी मतलब जितना भी कहीं से भी आया वो रेवेन्यू. मैंने लोन लिया इन भाई साहब से, वो भी रेवेन्यू. मैंने इनसे लोन लिया है, पैसा आया मेरे पास, रेवेन्यू. हाँ सुनिए, रेवेन्यू कुछ बच्चों ने सही बोला पर इनकम मुझे सही आंसर किसी ने नहीं दिया. ऑनलाइन में से आया है इनकम का आंसर. पहली बात रेवेन्यू सुनिएगा ध्यान से. रेवेन्यू मतलब जो हम अपने बिजनेस की मेन एक्टिविटी करके कमाते हैं. बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जो पैसा आता है ग्रॉस पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे वी स्मार्ट की मेन एक्टिविटी क्या है? अपन वी स्मार्ट का एग्जांपल ले लेते ना. वी स्मार्ट की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? टीचिंग. तो वी स्मार्ट अगर अपनी फेस टू फेस क्लासेस दे रहा है तो जो आप फीस जमा कर रहे हो वी स्मार्ट के लिए वो क्या है? रेवेन्यू. वी स्मार्ट की अगर कोई ऑनलाइन लेक्चर्स परचेस कर रहा है तो ऑनलाइन लेक्चर परचेस करने से जो फीस आ रही है वो भी क्या है? वी स्मार्ट अपनी किताबें बेच रहा है सेपरेटली तो वो भी क्या है? तो किताबें बेचना, टीचिंग बेचना, मतलब लेक्चर्स बेचना, ये सब उससे जो पैसा आ रहा है ग्रॉस वैल्यू. अभी इसमें से मैंने कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं किया, उसको मैं क्या बोलूंगा? इसीलिए इसका पूरा नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन.
पूरा नाम क्या होता है इसका, मैं लिखवाऊंगा, मैं सब लिखवाऊंगा, पहले सुन लीजिए। तो मेन ऑपरेशन करने से जो पैसा आता है, जो ग्रॉस वैल्यू आती है, वो रेवेन्यू। उन भाई साहब ने बोला, वो कोने वाले भाई साहब ने, कि जहां से भी पैसा आया, नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर मैंने लोन लिया है किसी से तो वो रेवेन्यू कैसे हुआ, वो तो वापस करना पड़ेगा ना। तो क्या रेवेन्यू क्या वापस करना पड़ता है क्या? रेवेन्यू मतलब ऐसी चीज जो अपनी हो गई, जो वापस नहीं करनी पड़ेगी। कुछ आया समझ में कि नहीं? इसमें कोई किसी को शक रेवेन्यू में? जल्दी बोलो, रेवेन्यू में किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं। इनकम, इनकम, इनकम इज अ वाइडर टर्म देन रेवेन्यू। इनकम एक बड़ा टर्म है। इनकम के अंदर रेवेन्यू आता है और अदर इनकम्स आती हैं। इनकम इज अ वाइडर टर्म। इनकम के अंदर रेवेन्यू एज वेल एज अदर इनकम आता है। वी स्मार्ट तुम्हारे पैसों से जो खर्चे कर रहा है वो तो अलग, फिर कुछ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी बना रहे हैं बैंक में, और एफडी से आ रहा है इंटरेस्ट। क्या वी स्मार्ट को जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, क्या वो मेन उसका ऑपरेशन है? क्या वी स्मार्ट क्या इंटरेस्ट इनकम कमाता है क्या? वी स्मार्ट को ये जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये अदर एक्टिविटी से आ रहा है। अदर एक्टिविटी, जो वी स्मार्ट की मेन बिजनेस एक्टिविटी है वो नहीं, अदर एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नहीं अदर इनकम। मैंने बोला इनकम इज अ वाइडर टर्म, समझे नहीं शायद तुम? मैंने क्या बोला? अदर इनकम। लिखो, ऐसा लिखो, पहले अपनी कॉपी में लिखो, इनकम्स इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम्स। इनकम्स इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम्स। समझा कि नहीं? सर एग्जाम्पल दीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वी स्मार्ट को जो फीस मिला लेक्चर्स का, बुक्स का, वो पूरा का पूरा ग्रॉस वैल्यू विल बी व्हाट? सब लोग बोलेंगे बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आया समझ में कि नहीं? वी स्मार्ट ने तुम्हारे पैसों से, अब वो वी स्मार्ट क्यों हो गए, वी स्मार्ट ने अपने रेवेन्यू से कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, बैंक में एफडी करवाई, शेयर्स खरीदे, तो शेयर्स खरीदने के कारण जो वी स्मार्ट को आगे डिविडेंड मिला, एफडी से इंटरेस्ट मिला, हमने वी स्मार्ट ने किसी और को उधारी दी, उससे जो इंटरेस्ट मिला वो सब होगी अदर इनकम। अदर इनकम, अदर इनकम में लिखो, इनकम्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन मेन बिजनेस। इनकम फ्रॉम सोर्सेस अदर देन मेन बिजनेस, जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह वगैरह। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? और अगर रेवेन्यू और अदर इनकम को जोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम, या इसको बोल सकते हैं टोटल इनकम। क्या बोल सकते हैं बेटा? टोटल इनकम। सर ऐसे नहीं, सर सर रिलायंस के उसमें बताओ कैसे आ रहा है, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है, सबसे पहले क्या दिख रहा है? नहीं नहीं, उसके भी पहले हेडिंग क्या दिख रही है? इनकम। मैंने क्या बोला? इनकम इज अ वाइडर टर्म। इनकम मतलब पूरा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो इनकम हेडिंग दिख रही है, इनकम के नीचे क्या दिख रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके रेवेन्यू में क्या क्या है? प्रोडक्ट सेल किया, इनकम फ्रॉम सर्विसेज आया। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? और उसमें से उन्होंने एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स माइनस किया, तो क्या बचा उसका? नेट रेवेन्यू। पर उसके नीचे क्या है? अदर इनकम। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब अगर आप में पता करना है कि रिलायंस की मेन इनकम कौन सी, मतलब रेवेन्यू कौन सा है और अदर इनकम कौन सी है, तो जाना पड़ेगा नोट्स और अकाउंट्स में। समझ में आया कि नहीं? पर अदर इनकम और रेवेन्यू मिलाकर क्या होता है? इनकम। द टर्मिनोलॉजी इज इनकम। इनकम के नीचे, इनकम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम. कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो ना बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? सर पर अभी भी ना प्रॉफिट और गेन रह गया, प्रॉफिट और गेन रह गया. सर इसी से दिखा दो, ये क्या दिख रहा है? ये गेन तो लिखा नहीं है, गेन बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट लिखा है. सर ये प्रॉफिट कैसे आया? अच्छा, टोटल इनकम कर दिया, उसमें से सारे के सारे टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, जो क्या बचा? कुछ बच्चे उसको इनकम बोल रहे थे. तो प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो सर गेन बच गया, पहले प्रॉफिट लिख तो लो, पहले प्रॉफिट लिख लो. प्रॉफिट की मीनिंग, तुमने रेवेन्यू लिखा, तुमने इनकम लिखा, तुमने अदर इनकम का भी अभी लिखा नहीं? लिखा नहीं, ये लिखा ना तुमने, ये अदर इनकम का. अरे ये नहीं लिखा क्या? अगर नहीं लिखा तो लिख ले. लिखा, अब तुम नीचे लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या आएगा? ये टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये क्या आ गया? प्रॉफिट. ये क्या आ गया? प्रॉफिट. वहां बैठे हुए किसी बच्चे ने आंसर एक दिया था. हाँ बेटा, नाम क्या है आपका? विकास. तुमने सही आंसर दिया था, उसको गेन बोला था ना तुमने शायद. वेरी गुड. गेन का उसने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कल की क्लास में, जो हमने एग्जाम्पल बोला था, पर मैं फिर से बात कर लूंगा, डोंट वरी. प्रॉफिट समझ में आ गया सबको? तो सर गेन किसको बोलते हैं फिर? अगर ये प्रॉफिट है तो गेन क्या होता है? सुनो, अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे बताना. जय चावला, वी स्मार्ट फैकल्टी. जय चावला ने स्टूडेंट से फीस लिया. मुझे टर्मिनोलॉजी बताइए. जय चावला ने डायरेक्टली स्टूडेंट से फीस लिया, जय चावला के लिए वो फीस क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि जय चावला का मेन काम टीचिंग ही है. बोलो यस और नो. जय चावला ने फीस लिया 10,000 रुपए, ठीक है? जय चावला ने कितना फीस लिया? 10,000 रुपए. उसमें से जय चावला ने कुछ खर्चे किए, बुक्स कॉस्ट माइनस किया, ठीक है ना, क्लासेस का किराया माइनस किया, ठीक है. उसके बाद बैकएंड में आपको बैकअप देना है आपको, तो हमारा वी स्मार्ट का ऐप का कॉस्ट माइनस किया, तो एंड में जय चावला को बचा 6,000 रुपए. बताओ 6,000 क्या है? प्रॉफिट. वेरी गुड, वेरी गुड. जय चावला को बचा 6,000 रुपए, तो जय चावला का वो 6,000 क्या हुआ? प्रॉफिट. ठीक है, जय चावला को तुम्हारे ये जो 6,000 बचे, 6,000 में से जय चावला ने कुछ पैसे की कुछ अमाउंट का एफडी करवा दिया, एफडी से जय चावला को 500 रुपए मिले, क्या होगा? अदर इनकम. अब जय चावला को फीस कितनी मिली थी तुमसे? 10, और 500 रुपए अदर आई थी, तो बताओ जय चावला के लिए टोटल इनकम कितनी हो गई? 10,500. चलो अब एक एक चीजें क्लियर हो रही है. रेवेन्यू आपको सबको क्लियर हुआ? जय चावला का कितना? 10,000. इनकम कितना? 10,500, क्योंकि उसके अंदर अदर इनकम शामिल थी. बोलो बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? चलो, प्रॉफिट भी क्लियर हो गया कि नहीं? सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद बोलो ना जी. अब बचा गेन. रुक जाओ, जय चावला का जो ये आईपैड है, ये आईपैड पुराना हो गया, और ये आईपैड पुराना हो गया तो जय चावला ने ये आईपैड बेच दिया. जय चावला ने ये आईपैड बेच दिया. इस आईपैड की वैल्यू जय चावला की बुक्स में दिख रही है 50,000, लेट अस से 50,000, और जय चावला ने ये आईपैड अपने किसी स्टूडेंट को ही बेच दिया, और वो बेच दिया 51,000 में. कितने में बेचा? मुझे बताओ, आईपैड बेचना जय चावला का मेन काम है कि ऐसे ही एक आध बार बेचा है बस? या मेरा ये आईपैड बेचना खरीदना मेरा मेन धंधा है? नहीं, जय ये आईपैड मैंने बेच इसलिए दिया क्योंकि अब मेरे काम का नहीं है, मैं कोई नया आईपैड खरीदूंगा, तो ये आईपैड मैंने बेचा. कितने में? कितने का था मेरी बुक्स में? हाँ, और कितने में बेचा? 1,000 इज कॉल्ड गेन. 1,000 इज कॉल्ड गेन. जब हम अपनी कोई असेट बेचते हैं, जब हम अपने कोई इन्वेस्टमेंट्स बेचते हैं, जब हमारी कोई लायबिलिटी कम वैल्यू पे सेटल होती है. लायबिलिटी नाम क्या बेटा? सर्वेश इज माय क्रेडिटर. क्रेडिटर समझते हो सब लोग? क्रेडिटर को मुझे देने हैं 5,000 रुपए, मैंने उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में दे दिए 4,000 रुपए.
अब सर्वेश मेरे से एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मांगेगा, पांच के बदले मैंने उसको कितने में सेटल किया, चार में, तो भी 1000 मेरा गेन। जब मैं किसी लायबिलिटी को लोअर वैल्यू पे सेटल करूं तो गेन, जब मैं किसी असेट को बेचूं और मुझे फायदा हो तो गेन, जब मैं किसी इन्वेस्टमेंट को बेचूं तो गेन। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हुआ कि नहीं बोलो बेटा? चारों टर्म क्लियर है? चारों टर्म क्लियर है कि नहीं? फिर से मुझे बताओ, जय चावला को 10,000 रुपए फीस से आया, जय चावला को 500 रुपए एफडी इनकम से आया, अदर इनकम, तो जय चावला के लिए टोटल इनकम कितना? जय चावला ने बुक का खर्चा किया, बैकएंड का खर्चा किया, रेंट का खर्चा किया 4,000 रुपए, 10,500 में से 4,000 गए, 6,500 क्या प्रॉफिट। अब वापस से रिपीट कर रहा हूं, अब प्रॉफिट की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है ना? जय चावला ने फीस लिया 10,000 का, सब लोग ध्यान देना बेटा, जय चावला ने 10,000 का फीस लिया, 500 रुपए उसको बैंक से मिला अदर इनकम, हुआ कि नहीं? आईपैड बेचा 50 का 51 में, 50 का 51 में गेन। अब बोलो जय चावला का टोटल इनकम कितना आया? एक तो 10 का रेवेन्यू, बोलो जी, उसके बाद एफडी इंटरेस्ट 500, 10 और 500, 10 500, इसके अलावा आईपैड बेचा, आईपैड बेचा कितना फायदा हुआ वो भी जोड़ दो, कितने हो गए? जोड़ने को बोला, माइनस नहीं करने को बोला, गेन हुआ, गेन गेन हुआ, गेन कितना हुआ? 11,500। 11,500 का मैं क्या बोलूंगा? इसका मतलब अब टोटल इनकम में क्या क्या आ गया? एक तो, दूसरा, और अदर इनकम में और क्या आता है? प्लस गेन्स। अदर इनकम में और क्या आता है? गेन्स। कुछ आया समझ में कि नहीं? फिगर वाइज बात करते हैं, 10,000 वॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 500 रुपए एफडी इनकम, दैट इज अदर इनकम, और 1,000 रुपए आईपैड बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ दैट इज गेन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अदर इनकम। तो कुल मिला के टोटल इनकम कितना हो गया जय सर का? जल्दी बोलो, 4,000 का बुक कॉस्ट और अदर रिलेटेड कॉस्ट, वो माइनस करो 11,500 में से, 7,500 को जय चावला क्या बोलेगा? प्रॉफिट। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसका मतलब कहना है से प्रॉफिट इंक्लूड्स गेन्स, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर वो 1,000 का गेन भी अब आ गया कहीं ना कहीं, आया कि नहीं आया? सो अब मुझे बताओ, प्रॉफिट इज अ वाइडर टर्म कि गेन इज अ वाइडर टर्म? प्रॉफिट इज अ वाइडर टर्म, प्रॉफिट में सारे प्रकार के गेन आ जाते हैं, समझा कि नहीं? बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट और अदर देन बिजनेस वाला प्रॉफिट, उसमें सब कुछ अगर मिला दे तो वो टोटल प्रॉफिट हो जाता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? गाइज आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। तो कुछ पॉइंट वाइज लिखाऊंगा मैं आपको, इसमें लिखना शुरू करिए। यस हाँ, भूल गया मैं, सब आ गया। सब्सिडी मिली है तो वो अदर इनकम होगी, गेन नहीं होगी। मैंने क्या बोला? गेन मतलब तूने कुछ बेचा असेट या लायबिलिटी को सेटल किया तो गेन, ठीक है? चलो एक एक करके बेटा प्लीज। पॉइंट नंबर वन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पॉइंट नंबर वन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिए, द ग्रॉस अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। ग्रॉस अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। द ग्रॉस अमाउंट, राधिका यस, लैपटॉप को कैपिटल असेट बोलेंगे। द ग्रॉस अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम बिजनेस कलेक्टेड फ्रॉम सेल
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. और सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब हम आम तौर पर अपने बिजनेस में क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स करते हैं या सर्विस देते हैं वो. इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इज नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेकेंड पॉइंट, अदर इनकम्स. अदर इनकम्स अदर इनकम्स एनी रिसीट और इनफ्लो फ्रॉम एनी एक्टिविटी एनी रिसीट और इनफ्लो फ्रॉम एनी एक्टिविटी अदर देन मेन बिजनेस ऑपरेशन अदर देन मेन बिजनेस ऑपरेशन अदर देन मेन बिजनेस ऑपरेशंस हूज रीपेमेंट whose repayment is not required. कोई भी मुझे इनफ्लो आया, कुछ रिसीट आया, मेरे मेन ऑपरेशन से नहीं, अदर देन मेन ऑपरेशन, और जिसको मुझे वापस भी नहीं करना है, जिसका मुझे रीपेमेंट भी नहीं करना है, whose repayment is not required is called other income. Is called other income. एक बार रिपीट करो, अदर इनकम. ठीक है, इसमें लिखो अदर इनकम्स इंक्लूड्स गेन्स. आगे इसी के लिखना, अदर इनकम्स इंक्लूड्स गेन्स. अदर इनकम्स इंक्लूड्स गेन्स. ऐश्वर्या सर, आईपैड एक 51 बेचा, अदर इनकम पूरा नहीं आएगा? नहीं बेटा, अदर इनकम ये जो रहेगा 51, ये पूरा अदर इनकम नहीं होगा, सिर्फ इसमें 1000 का गेन होगा. चलिए, अदर इनकम इंक्लूड्स. थर्ड पॉइंट लिखिए, व्हाट इज गेन, या गेन, सिंपली गेन का मीनिंग लिख रहे हैं अपन. लिखो, गेन मींस एनी प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स ब्रैकेट में लिखो, सच एज बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. equity shares of Reliance, हमारे पास इक्विटी शेयर है रिलायंस के, हमने उसको बेचा. ठीक है, क्या लिखा, एनी प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट सच एज बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और इन्वेस्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सच एज इक्विटी शेयर, और सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी. अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी का क्रेडिटर वाला, सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी एट लोअर वैल्यू. सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी एट लोअर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू क्यों बोल रहा हूं मैं,
लाइबिलिटी ज्यादा थी बेटा, पर मैंने पे कम किया तो मुझे फायदा हो गया ना बेटा। हाँ, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी एट लोअर वैल्यू इज कॉल्ड गेन, इज कॉल्ड गेन। अभी है, अभी और है, ये हो गया गेन हो गया। लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू गेन्स। प्रॉफिट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू गेन्स। बेटा प्रॉफिट में ना सब कुछ आ जाता है, मतलब चाहे फिर वो बिजनेस से कमाया या फिर अदर देन बिजनेस से कमाया, सब कुछ उसमें आ जाता है प्रॉफिट में। सो प्रॉफिट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू गेन्स, फुल स्टॉप। आगे लिखो, प्रॉफिट इंक्लूड्स गेन्स, प्रॉफिट इंक्लूड्स गेन। प्रॉफिट इंक्लूड्स गेन्स। लास्ट लाइन एक लिखो इसी में, प्रॉफिट में, प्रॉफिट कैन बी फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, प्रॉफिट कैन बी फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर हुआ बेटा? यूं समझो, अभी मेरे साथ बनाएंगे पीएनएल का स्टेटमेंट, एक फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल छोटू सा बनाएंगे, बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ऑफ जय चावला, ठीक है, जय चावला का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। यहां लिखेंगे इनकम्स, यहां लिखेंगे इनकम्स। इनकम के अंदर पहला लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम टीचिंग। मेरा ऑपरेशन टीचिंग है तो मैं ऑपरेशन की जगह टीचिंग लिख रहा हूं, क्योंकि ऑपरेशन जो भी होगा वो लिखूंगा मैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम टीचिंग, इसके अंदर मैंने लिखा, इसके अंदर मैंने लिखा लेक्चर्स सेल, लेक्चर्स सेल 10,000, फेस टू फेस फीस 15, बुक सेल 3, ये टोटल करिए 28. बेटा 28 क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि ये जय चावला का मेन काम है। ये हो गया रेवेन्यू, पहली टर्म क्लियर। चलिए, ये हो गया आपका रेवेन्यू। इसके नीचे लिखिए अदर इनकम्स, अदर इनकम्स। इसमें लिखिए इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी 1500, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस, रिलायंस से डिविडेंड आया 500, गेन ऑन सेल ऑफ आईपैड
गेन ऑन सेल ऑफ आईपैड 1000. इसको करो टोटल, कितना ये हो गया अदर इनकम्स. क्या बोलो अदर इनकम्स, क्लियर कि नहीं? अब बताओ 28 प्लस 3 को क्या बोलेंगे, मतलब 31 आएगा पर क्या बोलेंगे? टोटल इनकम, मतलब इनकम. समझा कि नहीं? तो लिखो टोटल इनकम 31, टोटल इनकम 31. बेटा क्लियर? आगे लिखिए टोटल एक्सपेंसेस books printing, books printing 9, classroom rent 7, lectures back end expenses, मतलब की जनरेट करना लेक्चर्स की, एक्टिवेशन की देना, ठीक है, ऐप वगैरह का करना, वो सब चीजें 1000. सैलरीज, करो टोटल कितना? 22 हो गया टोटल एक्सपेंस. अब करो, अब निकालो प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स क्या होगा? टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस. थर्टी वन में से 22 गया, कितना बचा? 9000. तो अब टर्मिनोलॉजी देखें, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रेवेन्यू पढ़ा था, तो हमारे केस एग्जांपल में रेवेन्यू क्या था, अमाउंट बोलो. रेवेन्यू इसमें था 28. हमने गेन्स पढ़ा था, गेन्स हमारे इस एग्जांपल में कितना था? 1000. वेरी गुड. हमने अदर इनकम पढ़ा था, अदर इनकम कितना था? अदर इनकम 3000 विच इंक्लूड्स गेन. मतलब अदर इनकम भी कहीं ना कहीं गेन से बड़ा शब्द है, समझा कि नहीं? तो अदर इनकम कितना था, क्या बोलेंगे? विच इंक्लूड्स गेन. डन बेटा. और क्या पढ़ा हमने? प्रॉफिट. बोलो प्रॉफिट कितना है हमारा? 9000. इसमें भी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि 1000 का गेन शामिल है. हाँ, इंक्लूड्स गेन्स. कुछ आया समझ में? क्लियर है बेटा? सो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्स, रेवेन्यू, ओवरऑल चीजें. अच्छा, टोटल इनकम या इनकम या टोटल इनकम, बोलो. 31, जिसमें हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू भी आता है और अदर इनकम्स भी आता है. बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई? रुपीस एंड लैक्स नहीं यार, चलो जल्दी बोलो क्लियर है कि नहीं? सो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्स, रेवेन्यूज, गेन्स, प्रॉफिट्स, अदर इनकम्स, ये सारी टर्मिनोलॉजी है.
आया समझ में यहाँ तक? सर अब आपने इनकम का बता दिया है तो ऐसे अच्छा लगता है कि हमें आप एक्सपेंस के बारे में ना बताओ। अब बताओ वाइडर टर्म क्या हो सकता है, लॉस इज अ वाइडर टर्म कि एक्सपेंस इज अ वाइडर टर्म? हाँ अच्छा, आईपैड 50,000 का 51 में बेचा था तो मुझे गेन हो रहा था, 50,000 का आईपैड 48,000 में बेचा, 2,000 इज अ लॉस, और वो लॉस कहां जाएगा? वो लॉस भी एक्सपेंस के किसी हेड में ही जाएगा कहीं पर। तो मुझे बताइए एक्सपेंस इज अ वाइडर टर्म कि लॉस इज अ वाइडर टर्म? एक्सपेंस इज अ वाइडर टर्म। कुछ आया समझ में कि नहीं? कैन आई से कि एक्सपेंसेस इंक्लूड्स लॉसेस? बोलो बेटा, कह सकते हैं कि नहीं? लिख लीजिएगा ये पॉइंट, एक्सपेंसेस इंक्लूड्स लॉसेस, एक्सपेंसेस इंक्लूड्स लॉसेस। एक्सपेंसेस इंक्लूड्स लॉसेस। ऑल राइट, मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आया? बोलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम? पक्का आप सबके पास नोट्स हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नोट्स नहीं है? इतने सारे बच्चे नोट्स का कहीं किसी और को बांट के आ गए क्या? कल भी नहीं मिले थे क्या तुम लोगों जो हाथ ऊपर कर रहे? चलो कोई नहीं, जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स एक बार निकाल लें, और नोट्स में जो ये वाला चैप्टर है, मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर कुछ बेसिक्स हैं, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर कुछ बेसिक्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, निकालिए एक बार। आपको जो नोट्स दिएगा ना सैंपल नोट्स, उसमें जो थर्ड वाला नोट्स है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिला क्या 2.1 करके है? हाँ बेटा, आपके सिलेबस में कंपनीज अकाउंट अप्लीकेबल है, प्रोप्राइटर नो, पार्टनर नो, एलएलपी नो, आपके सिलेबस में ओनली कंपनी अकाउंट्स अप्लीकेबल है। और कंपनी अकाउंट्स अप्लीकेबल होना मतलब शेड्यूल नंबर 3, नाम सुना है शेड्यूल 3? ठीक है, कुछ कुछ बातें अभी मुझे करनी है आपके साथ शेड्यूल 3 के रिगार्डिंग। जितनी भी कंपनीज होती हैं, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, लिस्टेड अनलिस्टेड समझते हैं आप लोग? लिस्टेड मतलब जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में है, जहां से जो भी व्यक्ति खरीद सकता है, समझ रहा है कि नहीं? ऐसी कंपनी जिसके शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज, सर स्टॉक एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर किसी कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है मतलब वो कंपनी हो जाएगी अनलिस्टेड। सर लिस्टेड है तो उससे क्या होगा? बेटा स्टॉक एक्सचेंज यू समझो एक मार्केट है। क्या है? मार्केट। एक मार्केट के अंदर कौन होता है? बायर्स और सेलर। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बायर्स और सेलर्स हैं वर्चुअली, ऑनलाइन तरीके से। और अगर बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स मिलकर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसी शेयर की ट्रेडिंग कर रहे होंगे जो शेयर्स उनको वहां पर दिख रहे होंगे, मतलब लिस्टेड। जो शेयर्स उनको वहां दिख नहीं रहे मतलब वो कंपनी का शेयर उधर है ही नहीं, उस मार्केट में ही नहीं है, और उस मार्केट में नहीं है मतलब वो शेयर अनलिस्टेड है। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो सर क्या हम किसी कंपनी के किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद नहीं सकते? नहीं खरीद सकते, डायरेक्टली प्राइवेटली खरीद सकते हैं, मतलब उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? तो कोई भी कंपनी हो, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मत पूछना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कल बताया था क्या क्या होता है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कैश फ्लो,
और नोट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन याद है कि नहीं, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अलग से एक शेड्यूल बनाया गया है। उस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल नंबर 3। क्या नाम है? शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो उसका फॉर्मेट शेड्यूल 3 देगा, पीएनएल का फॉर्मेट शेड्यूल 3 देगा, नोट्स में क्या क्या आएगा वो शेड्यूल 3 बताएगा। एक पॉइंट आगे, अभी यही अपना जो चल रहा है उसमें हेडिंग लिखिए शेड्यूल 3, जो अपना बेसिक्स चल रहा है उसमें लिखिए शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 शेड्यूल 3 क्या है सर? शेड्यूल 3 में है फॉर्मेट्स एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस। फॉर्मेट्स एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर्मेट्स एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शेड्यूल 3 के अंदर फॉर्मेट है और इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कि क्या कैसे कैसे बनाने का है और प्रेजेंट कैसे करने का है। ठीक है, शेड्यूल 3 के अंदर 3 डिविजन्स होते हैं, मेरे साथ साथ करते चाहिए। 3 डिविजन्स, डिविजन 1, डिविजन 2 डिविजन 3। शेड्यूल 3 के अंदर 3 डिविजन है, 3 पार्ट्स हैं कुल मिलाकर। डिविजन मतलब 3 पार्ट, 3 हिस्से हैं शेड्यूल 3 के। शेड्यूल 3 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। डिविजन 1, डिविजन 1 के अंदर भी फॉर्मेट है, डिविजन 2 के अंदर भी फॉर्मेट है, डिविजन 3 के अंदर भी फॉर्मेट है, पर तीनों के अंदर जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है। डिविजन 1 वाला फॉर्मेट अलग है, डिविजन 2 वाला फॉर्मेट अलग है, 3 वाला अलग है। हमें सर कौन सा लगाना है? हमें यह पहले तय करना है कि कंपनी कौन सी कैटेगरी में आएगी। डिविजन 1 में आएगी तो डिविजन 1 वाला फॉर्मेट लगेगा, डिविजन 2 में आएगी तो 2 वाला फॉर्मेट लगेगा, 3 में आएगी तो 3 वाला फॉर्मेट लगेगा। मतलब सर ऐसी कंपनी जो एएस फॉलो करती है, क्या फॉलो करती है AS, वो डिवीजन 1 में आएंगी। कौन सी कंपनी? जो एएस फॉलो करेगी। ऐसी कंपनी जो इंड एएस फॉलो करेगी वो किस में आएगी? डिवीजन 2 में। और ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनीज होंगी और इंश्योरेंस कंपनीज होंगी वो किस में आएंगी? डिवीजन 3। स्पेशल कैटेगरी कंपनीज को डिवीजन 3 में रखा गया है। तो फिर से डिवीजन 1 में कौन सी कंपनीज आएंगी? जो एएस फॉलो करेंगी। क्या फॉलो करेंगी? एएस। ऐसी कंपनी जो इंड एएस फॉलो करेंगी डिवीजन 2। और ऐसी कंपनी जो स्पेशल कंपनीज होंगी बैंक्स इंश्योरेंस वो किस में आएंगी? डिवीजन 3। लिखिए डिवीजन 1 applicable for companies whose financial statements are prepared
एस पर वॉट? एस, एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिवीजन वन में आएंगे। डिवीजन टू अप्लीकेबल फॉर कंपनीज हूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं F/S, हूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर इंड एएस का फुल फॉर्म इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सर जो एएस है वो इंडियन नहीं है, एएस भी इंडियन है, पर अभी जो नए इंड एएस आए, जो नए स्टैंडर्ड्स आए उनको इंड आगे वर्ड लगा दिया गया। उसका भी क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। अभी एएस अभी अपना स्टार्ट होगा तो आपको सब चीजें मालूम पड़ेगी। तीसरा एप्लीकेबल फॉर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, एप्लीकेबल फॉर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। बताओ ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में कौन सा वाला होगा? क्या आपके सिलेबस में तीनों होंगे? नहीं, क्योंकि इंड एएस आपके सिलेबस में है ही नहीं। बैंकिंग चैप्टर, इंश्योरेंस चैप्टर ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, पुराने सिलेबस में था, अब है ही नहीं। तो मुझे बताओ इसका मतलब सिलेबस में कौन सी चीज नहीं होगी? डिवीजन टू नहीं होगी, डिवीजन थ्री नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा? डिवीजन वन। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको क्या फॉर्मेट में बदलाव है। जब हम एएस वाली अभी लिखना मत, जब हम एएस वाली कंपनी होते हैं ना, तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी आता है और नीचे एसेट आता है। पर जब हम इंड एएस वाली कंपनी होती है ना, तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर पहले एसेट आता है और फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटी आता है। सर वो जो रिलायंस का था वो दिखा दीजिए सर। सर ये बैलेंस शीट, किसकी बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रहा है? असेट असेट असेट, फिर करंट असेट करंट असेट करंट असेट, फिर क्या आ रहा है? तो सबसे पहले असेट आ रहा है। इसका मतलब सर ये कौन सी वाली है? जोमेटो इंड एएस फॉलो करता है। समझा कि नहीं समझा? अच्छा सर ऐसी बैलेंस शीट दिखाओ जिसमें एएस फॉलो होता हो, देखना चाहोगे कि नहीं? बोलो ना भाई। कहाँ गई ये रही। कंपनी का नाम क्या है? कोई नाम जानते है इस कंपनी का? कंपनी को ये जानते है कोई? पूर्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा हमारे देश के एक मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी जी। क्या है वो? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनकी कंपनी है। उनकी कंपनी मतलब उनका कोई नाम नहीं दिखेगा इसमें, उनके बच्चों की मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। ठीक है अभी अभी रुक जाओ। उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? चलो देखें कौन है। ठीक है उसके बाद सर ये रही बैलेंस शीट, इसका मतलब उनकी कंपनी क्या फॉलो कर रही है?
सर ये कब की कंपनी है, कब की बैलेंस शीट है? 2021। सर ये आपको कहां से मिली? MCA की वेबसाइट पे जाएंगे, 100 रुपए का पेमेंट करेंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे, किसी भी कंपनी के बारे में मालूम पड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा आपको एक चीज सिखाऊं, अभी अपने फोन पे भी कर सकते हो, किसी भी कंपनी, किसी भी लिस्टेड कंपनी के बारे में पता करना है, जस्ट ऑन योर मोबाइल है, मोबाइल है हाँ, नेट होना चाहिए, वाईफाई दे दो सर, नहीं मिलेगा। टाइप करो गूगल पे, टाइप करो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, किया? ऐसा कुछ आया सामने? नहीं आया, लोड हो रहा है, आया कि नहीं आया? नहीं आया, आया? ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, सर्च बाय कंपनी नेम, आ रहा है? चलो बोलो कौन सी कंपनी? टाटा। टाटा की कौन सी कंपनी? टाटा कंज्यूमर आ रहा है, टाटा मोटर आ रहा है, टाटा स्टील आ रहा है, टाटा केमिकल आ रहा है, टाटा कम्युनिकेशंस आ रहा है, कौन सा करूं? टाटा स्टील करें? अरे बड़ी कंपनी टाटा स्टील यार, मोटर कर लेते हैं, चलो टाटा मोटर, खुद भी टाइप करो टाटा मोटर, जस्ट टाइप इट, किया टाइप? टाटा मोटर, भैया प्राइस चल रहा है 613, ठीक है। यहां आपको एक इंफॉर्मेशन देखिए, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर है क्या? Yes, कहीं देखो वर्ड लिखा है कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। Yes, अरे क्या कर रहे हैं वहां के लोग, मैंने बोला बी NSE खोलो, xxx.com मत खोलो। अरे पता नहीं क्या कर रहे कुछ भी। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर खोलो, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर ओपन किया कि नहीं? बगल में मिलेगा एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर जाओ, एनुअल रिपोर्ट मिल गया, बगल में आएगा टाटा मोटर्स लिमिटेड का अभी रीसेंट 22-23 का एनुअल रिपोर्ट। अब ये जिप फाइल है, एक्चुअली वो अटैचमेंट होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, फोन में अगर ओपन हो जाए जिप फाइल अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, ओपन हो पाएगा देखना, सुनना टी नहीं चल रहा सर, कुछ खुला? खुल गया। और अगर उससे नहीं खुले तो नीचे एक और चीज है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हाँ जी, एटलीस्ट तुम टाटा की अभी की देख सकते हो कि 30 जून 2023 का जो उसका क्वार्टर एंडिंग हुआ, उसकी टोटल, टोटल इनकम क्या होती है? अभी भी बताया था ना, क्या होती है टोटल इनकम? रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, कितना है जे? 16,13,165 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2,000 रुपए, रुपीज इन करोड़ होगा वो, रुपीज इन करोड़। नेट प्रॉफिट लॉस क्या है? लॉस। अर्निंग पर शेयर क्या है? 0.17 पैसा। तो यहां से आप देख सकते हो कि मतलब बेसिकली किसी भी कंपनी का अगर आपको इंफॉर्मेशन जानना है तो आप यहां से ओपन कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी कंपनी लगती है, जिसकी बैलेंस शीट क्या है, P&L उसका क्या है, एनीथिंग, इफ यू वांट टू गेट इट फ्रॉम NSE यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है, समझा गया? अगर आगे चल के कभी भी आपको किसी कंपनी के बारे में पता करना हो तो ऐसे आप पता कर लेना। हाँ, मैं उस बैलेंस शीट पे था भाई, बोलो ये बैलेंस शीट क्या फॉलो कर रही होगी? ये कंपनी क्या फॉलो कर रही होगी? AS। क्लियर है कि नहीं बेटा? ठीक।
वापस आइए। वापस आओ बेटा, आ जाओ। डिवीजन वन, डिवीजन टू, डिवीजन थ्री, हमारे कोर्स में क्या है? डिवीजन वन। सर ये बता दीजिए कि कौन सी कंपनी को एएस लगाना पड़ता है, कौन सी कंपनी को इंड एएस लगाना पड़ता है? जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होंगी वो हमेशा इंड एएस लगाएंगी। क्या लगाएंगी? लिखो, ऑल लिस्टेड कंपनीज विल अप्लाई इंड एएस, ऑल लिस्टेड कंपनी विल अप्लाई इंड एएस ओनली, ऑल लिस्टेड कंपनीज शैल अप्लाई इंड एएस ओनली। सेकेंड पॉइंट बेटा, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज होंगी अगर उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, कितनी? 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, क्या? नेटवर्थ, टर्नओवर नहीं, नेटवर्थ। नेट मतलब असेट माइनस लाइबिलिटी, नेटवर्थ, नेट असेट्स। नेट असेट का दूसरा नाम नेटवर्थ होता है, ठीक है? उनको भी इंड एएस लगाना पड़ेगा। कितनी नेटवर्थ बोली मैंने? 250 करोड़ और मोर। लिखो, एनी अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर, एनी अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर शैल अप्लाई इंड एएस। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी एएस फॉलो करेगी, ये पढ़ के जो भी मैंने लिखवाया। पहली बात तो लिस्टेड कंपनी तो कभी एएस फॉलो करेगी नहीं, बाहर भाई उसको तो बाहर करो। अब क्या बचा? अनलिस्टेड कंपनी। अब बताओ अनलिस्टेड कंपनी ऐसी कौन सी होगी जो एएस फॉलो करेगी? हाँ जी, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ के नीचे है। तो थर्ड पॉइंट आप खुद बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? ऑल अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ बिलो 250 करोड़, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ बिलो 250 करोड़ शैल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शैल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या फॉलो करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे होगी। समझ में आया कि नहीं? मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा स्लो स्लो चलूं, धीरे धीरे चीजें समझ, क्योंकि ये कुछ नई नई चीजें आ रही हैं आपके सामने। अगर चीजें पुरानी भी थी तो वो क्या है, अभी कुछ चीजें खुल रहा है, अभी दिमाग की कुछ नसें खुल रही हैं कि हाँ यार ऐसा भी है। सो धीरे धीरे चलेंगे अपन, आराम आराम से करेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा, याद है किसी को प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, अब नोट्स जो भाई, अभी नोट्स आपको बोल रहा था, नोट्स ओपन करो दो मिनट। नोट्स में पेज नंबर 2.4 वाला, 2.4 आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखेगा बेटा, है क्या? मिला सबको? ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले चीज क्या लिखी हुई है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी।
कल यस्टरडे आई डिफाइंड लाइबिलिटी, प्लीज से लाइबिलिटी मतलब क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हैविंग आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, याद है रिसोर्स वाला असेट, असेट का आउटफ्लो होगा एंड वी इट कैन बी मेजर्ड सर्टेनली, याद आ रहा है कि नहीं? लाइबिलिटी हमने बात की थी कि नहीं? सर इक्विटी क्या होता है? हम तो अभी पूरी बैलेंस शीट खोलने वाले हैं, एक एक आइटम अपन बैलेंस शीट का जो लिखा है ना ये क्या होता है इसका मतलब समझने वाले हैं। लाइबिलिटी मतलब अपन ने समझ लिया, लाइबिलिटी मतलब परफॉर्मेंस, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसमें आउटफ्लो होना तय है और कितना होगा ये भी तय है, ठीक है ना? अब मुझे बताओ इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या? हाँ, ओनर का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो लाइबिलिटी नहीं है, वो इंटरनल लाइबिलिटी है। तो ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि इंटरनल लाइबिलिटी एंड आउट एक्सटर्नल लाइबिलिटी? सूट नहीं कर रहा नाम, इसीलिए एक सेकेंड। हाँ, वो इक्विटी है, तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं है, तो लाइबिलिटी क्यों नहीं लिखा? यस, इंटरनल लाइबिलिटी को इक्विटी बोलते हैं, तो फिर इंटरनल लाइबिलिटी लिख देते ना। ये ठीक है, आप डेफिनेशंस बोल रहे हो, मुझे तो बिल्कुल बेसिक सिंपल मीनिंग, अगर किसी नॉन सीए स्टूडेंट को, अरे किसी साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को, किसी अपने भाई बहन जो अपनी जो कोई करता होगा, कोई इंजीनियरिंग करता होगा, अगर उसको आपको सिखाना हो कि इक्विटी और लाइबिलिटी में क्या अंतर है, आप उसको कैसे बताओगे? आपका कोई भाई बहन होगा आपको बोल रहा होगा अच्छा सीए कर रहा है ना, मुझे ये बता इक्विटी और लाइबिलिटी का क्या अंतर है, आप कैसे समझाओगे अपने उस भाई बहन को यार जो इंजीनियरिंग कर रहा है? क्या बोलोगे आप उसको? आपसे वो सिंपल पूछ रहा है मुझे इन दोनों का मतलब समझा, आप बोलोगे कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ओनर आया, अच्छा अच्छा बट इक्विटी का पैसा वापस करना ही करना पड़ता, कभी नहीं करना पड़ता। वेरी गुड, किसका? इक्विटी का और लाइबिलिटी का? ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन में पे करना पड़ता है। सभी लोग बच्चे मानते हैं इस पॉइंट को? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग? चलिए बेटा, इक्विटी और लाइबिलिटी में अंतर यह है कि लाइबिलिटी जहां ये कि मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, ऑब्लिगेशन टू पे कैश, और कैश नहीं तो कुछ और, शेयर्स, असेट, एनीथिंग, ऑब्लिगेशन टू पे कैश और एनीथिंग, जहां मेरी ऑब्लिगेशन है। और इक्विटी मतलब नो ऑब्लिगेशन, पे नहीं करना पड़ेगा जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती मुझे इसको पे नहीं करना पड़ेगा। इसको सिंपल भाषा में और भी ध्यान से सुनिएगा, इसको सिंपल भाषा में, आपका नाम क्या बेटा? समाधान, समाधान। यार बढ़िया नाम है यार, समाधान। समाधान चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और उसने अपना स्टार्टअप किया, उसने अपनी कंपनी ओपन की। समाधान मेरे पास आया, उसने बोला सर कंपनी ओपन करनी है, आप कुछ फंड्स दो, मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मुझे लोन दो सर। मैंने समाधान को 5 लाख रुपए का लोन दिया और समाधान ने अपने भी पैसे लगाए, अपने 8 लाख रुपए लगाए और मुझसे उसने 5 लाख रुपए लिए। कुल मिला के उसने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 13 लाख रुपए लगाए, मेरे 5 लाख और अपने 8 लाख। और उस 13 लाख रुपए से उसने कुछ असेट खरीदा, कुछ इन्वेंट्री खरीदा, फिर आगे चल के वो इन्वेंट्री बेचा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, दुनिया भर के बिजनेस हुई। अब समाधान अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है, अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है
और कंपनी बंद करने के लिए उसको उस कंपनी के सारे असेट्स बेचने पड़ेंगे, सारे असेट्स बेचने पड़ेंगे। समाधान ने सारे असेट बेचे, सारे के सारे असेट बिके 20 लाख में। कितने में? 20 लाख में। अब मुझे बताइए, जवाब दीजिए, समाधान इन 20 लाख में से पहले किसको वापस करेगा? अपने आप को कि बाहर वाले जय सर को? क्यों जय सर को? क्यों? क्योंकि समाधान को मैंने क्या दिया था? लोन। इवन 20 लाख की जगह पर उसको 10 लाख मिले तो भी वो पहले किसको पे करेगा? जय सर को, बाहरी व्यक्ति को। तो जय सर समाधान के लिए क्या हुए? इक्विटी या फिर लायबिलिटी? लायबिलिटी। उसको 20 लाख पड़े थे, 20 लाख में से उसने जय सर के 5 लाख रुपए वापस किए, बिकॉज ही हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर जय सर। उसकी ऑब्लिगेशन है जय सर को पे करना, मैंडेटरी है। 5 लाख रुपए माइनस हो गए, अब कितने बचे? 20 लाख में से 5 लाख रुपए माइनस हुए, कितने बचे? 15 वो किसको देगा? अपने आप को, वही ऑनर था ना, तो वो खुद रख लेगा। कितने खुद रखेगा? 15। तो उसको 15 को क्या बोलेंगे? इक्विटी। कल को 20 लाख के बजाय 10 लाख आए, सिर्फ 10 लाख रुपीस बिजनेस से रियलाइज हुए बेचने पर, तो भी वो पहले किसको देगा? बोलो बेटा, किसको देगा? जय सर को। कितने दिए? बाकी 5 वो कितने अपने पास रखेगा? इक्विटी। समझा कि नहीं समझा? चलो 10 भी नहीं आए, समाधान को सिर्फ अपना बिजनेस बेचकर 3 लाख रुपए मिले। अब बताओ वो खुद रखेगा कि जय सर को देगा? वो अपने आप को क्यों नहीं दे रहा? सर बिजनेस तो समाधान का ही है ना, मतलब अल्टीमेट रिस्क किसकी है? जिसका बिजनेस होता है, जिसका बिजनेस होता है रिस्क भी उसी की होती है। बेटा क्या होता है, जो इक्विटी वाले लोग होते हैं ना, धंधा वही चला रहे हैं। मतलब इक्विटी वाले लोग उस कंपनी के वोटिंग राइट्स में इन्वॉल्व हैं, वो कंपनी के डिसीजंस ले रहे हैं, मतलब कंपनी उन्हीं की है। और अगर कंपनी उन्हीं की है तो इसका मतलब अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो उनको तो सबसे आखिर में मिलेगा ना भाई, क्योंकि कंपनी तो उनकी है। अल्टीमेटली तो बाहर वालों को सबसे पहले पे करना पड़ेगा। तो यस, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। अब आप इस वर्ड को इंटरनल लायबिलिटी मत बोलिए, आप ये बोलिए लायबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू पे, इक्विटी मींस नो ऑब्लिगेशन टू पे। समझा कि नहीं समझा? क्या बोला मैंने? लायबिलिटी मींस, इक्विटी मींस। ये याद रखिएगा, याद नहीं रहे तो ये लिख लीजिएगा कि इक्विटी मतलब नो ऑब्लिगेशन टू पे, इक्विटी मतलब नो ऑब्लिगेशन टू पे। नो ऑब्लिगेशन टू पे। हाँ, अभी मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज किए, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज किए। बताइए रिलायंस के लिए मैं कौन हूं, इक्विटी की लायबिलिटी? हाँ जी, मैं रिलायंस के लिए इक्विटी शेयर होल्डर हूं। रिलायंस कंपनी बंद नहीं हो रही, मैं रिलायंस कंपनी के पास गया, मुक्कू भैया के पास गया, बोला मेरे पैसे वापस करो। देंगे क्या? क्यों? वो बोलेंगे मेरे पास मत आ, मेरी कंपनी बंद नहीं हो रही, अगर बंद होती तो मैं तेरे को देता, मैं तेरे लिए कोई लायबल नहीं हूं, लायबल लायबिलिटी नहीं हो तू मेरी, तो मेरे पास मत आ। और कंपनी बंद नहीं हो रही जो मैं तेरे को दूं, स्टॉक एक्सचेंज में जा, किसी को ढूंढ, उसने खरीदा तो तू उसको बेच जाके। स्टॉक एक्सचेंज में कौन होता है? बायर सेलर। तो तू जाके सेल कर स्टॉक एक्सचेंज में, पर मेरे पास मत आ। भले तेरे कंपनी तो तेरे शेयर जो तेरे पास जो शेयर है वो मेरी कंपनी के हैं, पर मेरी कंपनी बंद नहीं हो रही तो मैं तेरे को पैसे वापस नहीं कर सकता। आया समझ में कि नहीं? इक्विटी। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीन चीजें आ रही हैं। कौन कौन सी तीन चीजें आ रही हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट। फिर से बोलेंगे, शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें आ रही हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट। चलो एक एक करके। शेयर कैपिटल सबको पता होगा क्या होता है,
इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों आएगा यहां पर, ऑल राइट। रिजर्व एंड सरप्लस, ये व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है? अरे सिंपल, वही अगेन सेम, अपने छोटे भाई बहन को समझा रहे हो जो इंजीनियरिंग कर रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? वो नहीं समझेगा प्रॉफिट फॉरफिट क्या होता है, ये तो अब दुनिया भर की बात है। व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस? इन अ सिंपल लैंग्वेज, रिजर्व एंड सरप्लस मींस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का आज तक का कमाया हुआ प्रॉफिट, आज तक का कमाया हुआ प्रॉफिट। हां, आज तक का कमाया हुआ प्रॉफिट अलग अलग जगह पे रखा होगा। नाउ प्लीज लुक एट मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई आस्क यू कि तुम्हारे घर पे मॉम डैड अगर वर्किंग है या कोई भी वर्किंग है पेरेंट्स में, जब वो अर्निंग करते हैं अपनी, तो क्या पूरा अर्न किया हुआ पैसा एक ही जगह पे रखते हैं कि थोड़ा सा बैंक में जमा करते हैं, फिर थोड़ा सा अलमारी खोलते हैं तिजोरी में रखते हैं, थोड़ा सा मॉम को देते हैं, फिर थोड़ा सा अपनी जेब में रखते हैं ताकि वो भी अपना घर खर्च चला सकें? ये ऐसा होता है कि वो पूरा पूरा पैसा अपनी जेब में लेके घूमते हैं? जल्दी जवाब दीजिए मुझे, ऐसे बंटवारा करते, बंटवारा करते कि नहीं? इस बंटवारे को कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या कहा जाता है? पापा कमा के आए 50,000, कमा के आए प्रॉफिट, पापा ने बोला भैया 30,000 तो जमा कर दो बैंक में, जनरल रिजर्व, जो काम आएगा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आगे चल के। 50 में से चले गए बैंक में पैसे 30,000, मैं बैंक बोल रहा हूं मतलब एग्जाम्पल की तरह बोल रहा हूं प्लीज, तो 50 में से 30 चले गए बैंक में, मतलब एक तरीके से डाल दिए जनरल रिजर्व में, अब कितने बचे? 20. बोलो बेटा 20. मॉम ने कहा कि अगले महीने कुछ बिल्डिंग का रिपेयरिंग करवाना है, कुछ करवाना है, या कोई दिवाली आ रही है, कुछ स्पेसिफिक यूज आ रहा है, तो पापा ने बोला चलो ठीक है 10,000 ना उस स्पेसिफिक होने वाले खर्चे के लिए एक रिजर्व बना लेता हूं, वहां पर रख देता हूं। आपने कई नाम सुने होंगे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, नाम सुने कि नहीं सुने? तो कुछ रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो पापा ने वो 10,000 उसके अंदर रख दिए, अपनी जेब में एक शर्ट में रख दिए कि भाई ये पैसा पड़ा रहे, बाद में यूज होगा, उसी पर्पस के लिए यूज होगा, बिल्डिंग फंड वगैरह वगैरह। अब कितने बचे? बोलो बेटा कितने बचे? 10. उन्होंने मॉम को 5 दिए और 5 उन्होंने अपनी जेब में रखे, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब जो उन्होंने अपने पास रखे और मॉम को दिए 5,000, उसको बोलते हैं वर्ड रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? पर ओवरऑल प्रॉफिट पापा ने कितना कमाया? 50, दैट इज कॉल्ड। तो बेटा आगे चल के ना आपको रिजर्व एंड सरप्लस में कई नाम दिखेंगे, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, रिटेन्ड अर्निंग। ये सब नाम क्या है? एक कमाए हुए पैसे को अलग अलग जगह पर बांटा गया है किसी ना किसी पर्पस के कारण, बस पूरे प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पर रखा गया है, और उसी को हम कह रहे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? ऑल राइट, थर्ड आइटम क्या है? थर्ड आइटम मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या होता है शेयर वारंट? क्या होता है? वेरी गुड, बियरर है ये, जिसको अपन किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर वारंट मतलब अगर मैं आपको कहूं कि ना ये पेपर है, इस पे मैंने तुमसे जो पैसे लिए, नाम क्या बेटा? कशिश से मैंने 50,000 लिए, मैंने 50,000 लिए और आपको मैंने ये पेपर दे दिया, लो बेटा पेपर, और 50,000 मैंने ले लिया। इस पेपर को मैं बोलूंगा दिस इज अ शेयर वारंट। कशिश चाहे तो ये अपने पास रख सकती है,
मैंने इसमें डेट लिखी हुई है कि एक साल बाद मैं शेयर इशू करूंगा, जिसके पास भी ये पीस ऑफ पेपर होगा। तो अब कशिश चाहे तो ये पीस ऑफ पेपर किसी और को ट्रांसफर कर सकती है और अपने पैसे रियलाइज कर सकती है। कशिश इनको दे दो, क्या नाम है? कशिश ने हर्षिता को दिया और हर्षिता के पास अब ये पेपर आ गया। क्या ये उसने कशिश ने फ्री में दिया होगा क्या? नहीं। कशिश को पैसे अपने कहां से रिकवर हुए होंगे? हर्षिता से। अब ये पेपर किसके पास है? हर्षिता के पास। साल भर की डेट खत्म हो गई, हर्षिता किसके पास आएगी? कंपनी के पास। हाँ, कंपनी के पास आके हर्षिता ने कंपनी को दिया पेपर और उसके बदले कंपनी ने हर्षिता को दे दिए शेयर्स। कुछ आया समझ में कि नहीं? सो ये क्या है, इसको बोलते हैं शेयर वारंट। कुछ आया समझ में कि नहीं? शेयर वारंट मतलब एक इंटाइटलमेंट, इंटाइटल मतलब एक अधिकार। इसमें लिखा हुआ है कि ये पेपर जिसके पास भी होगा उस पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट पे हम शेयर इशू करने वाले हैं, हम उसको शेयर इशू कर देंगे, उसको ये पेपर लेके आना पड़ेगा। इस पेपर को कहेंगे शेयर वारंट। कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? तो नाम अब पूरा पढ़ो, अब पूरा नाम पढ़ो, क्या लिखा है? मैंने किसको किया था शेयर वारंट इशू? कशिश को। तो कशिश से मैंने पहले कितने पैसे लेके रखे थे? 50,000। पर ये पैसा कभी ना कभी किस रूप में बदल जाएगा? जब मैं इसका शेयर इशू करूंगा। तो मैं कह सकता हूं क्या कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट एक तरीके से टेम्पररी आइटम है, ये कभी ना कभी जाके किस में ऐड हो जाएगा? ऐसा होता है। कुछ आया समझ में कि नहीं? सो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अगर पैसा रिसीव कर रखा है पर अभी तक मैंने शेयर इशू, शेयर अलॉटमेंट कुछ नहीं किया, तो ये पैसा मैं यहां पर दिखाऊंगा, मैं उसको कैपिटल में नहीं दिखाऊंगा। वंस द शेयर इज इशूड, ये पैसा मैं कहां ले जाऊंगा? शेयर कैपिटल में, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हो जाएगा जीरो। कुछ आया समझ में कि नहीं बेटा? बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? उसी के जैसा मिलता जुलता क्या है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। इसका मतलब क्या होगा? मैंने डायरेक्टली शेयर इशू कर दिए पर अभी तक मैंने शेयर को अलॉट नहीं किया और पैसे आपसे ले रखे हैं, तो मैं उसको कहां डालूंगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मैं जब भी आपको अलॉटमेंट कर दूंगा तो ये पैसा अगेन कहां चला जाएगा? शेयर कैपिटल में। कुछ आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? आज मैं आपको थोड़ा सा पहले छोड़ रहा हूं, बट आपको घर से ये बैलेंस शीट के सारे आइटम्स एक बार पढ़ के आने हैं। पढ़ के आओगे? क्यों झूठ बोल रहे हो? पढ़ के आओगे कि नहीं पढ़ के आओगे? पक्का पढ़ के आओगे? तो मैं तुम्हारे May 24 की कसम, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो तुम इसको पढ़ के आओगे, ठीक है? इसको पढ़ के आना पड़ेगा। अच्छा, आई डोंट नो, कुछ बच्चे अगर वर्चुअल क्लास में कहीं बैठे हैं तो प्लीज यहां ऊपर आके एक बार मिल लीजिए, बिकॉज मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के डाउट्स भी हैंडल करने, तो जो वर्चुअल वाले बच्चे हैं वो एक बार प्लीज आके मिल लीजिए, अगर कोई नीचे कहीं क्लास में बैठे हैं तो, सो दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू देम। सो गाइज, आपको पता होना चाहिए कि जाने से पहले क्या बोलना पड़ता है, नहीं तो हमारे अटेम्प्ट में हम पास नहीं हो पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। प्रॉफिट को No. अदर इनकम उसमें आ रही है, टोटल इनकम नहीं आ रही है, इसीलिए। क्यों रट्टा नहीं, मतलब नहीं कैसा लर्निंग जो है ना डायरेक्ट चालू कर, मतलब मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, ए बी सी कैटेगरी, तो मैं इसको सी कैटेगरी में रख सकता हूं, चलेगा? सी कैटेगरी में एग्जाम के लिए, पर नॉलेज के लिए ए कैटेगरी। ये मेरा है भाई। हाँ।
बनेगा ना okay, उसका टर्म चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह वर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट मतलब अगर आज मैं आपसे पैसा ले लूं और मैं आपको आज शेयर इशू ना करूं, इशू ही नहीं करूं, सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी ओपन नहीं किया, बस मैंने बोल दिया कि मुझे पैसा दे दो, मैं फ्यूचर में आपको शेयर इशू करूंगा. जनरली ऐसा प्राइवेट कंपनीज करती हैं, अनलिस्टेड करती हैं, लिस्टेड कंपनीज नहीं करती हैं. तो अगर मैंने आपसे पैसा ले लिया तो आपके पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि मैंने आपसे पैसा लिया है. तो वो सबूत है एक पेपर जिसके अंदर मैंने लिखा है कि मैंने आपसे पेपर लिए पैसे लिए हैं और फ्यूचर में मैं इस पेपर के बदले आपको शेयर दूंगा, फ्यूचर में मैं आपको शेयर इशू करूंगा, उसको कहते हैं शेयर वारंट. आज तक का कमाया हुआ प्रॉफिट कंपनी का इज अ रिजर्व एंड सरप्लस. आज तक का, करंट ईयर का नहीं, आज तक का. अगर खर्चा कर ले तो कंपनी से बाहर निकल गया, तो जो बच गया आज तक का बचा हुआ कंपनी में प्रॉफिट. मेजर नहीं कर सकते, सामने वाला खरीदने वाला मेजर करेगा ना. हम तो अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं. हाँ होता है ना, बिल्कुल. उसका तो मार्केट वैल्यूएशन निकलेगा ना पूरे बिजनेस का. देख तूने एक ऐप बनाई, ठीक है, अब तूने ऐप बनाई, उस ऐप को तूने बहुत सारे डाउनलोड्स करके उसकी वैल्यू बढ़ाता गया, वैल्यू बढ़ गई 10 गुना 15 गुना 20 गुना 100 गुना वैल्यू बढ़ गई. ठीक है, बनाने का तेरा ऐप बनाने का खर्चा सिर्फ 2 लाख रुपये आया था, पर तूने उसमें उस ऐप में इतने शानदार फीचर्स दिए थे कि लोग उसको डाउनलोड्स करते जा रहे हैं, और जितने ज़्यादा डाउनलोड्स उसकी वैल्यू बढ़ती गई. अब जो खरीदार है मैं, फेसबुक, मैंने उसको खरीदना चाहा, तू व्हाट्सएप है, मैं तेरे को खरीदना चाहता हूँ. अब तेरा बनाने का खर्चा कुछ खास नहीं था, पर मैं अब उसको खरीदना चाहता हूँ. खर्चा कितना था तेरा, मान लो 2 लाख रुपये, आज मैं खरीदना चाहता हूँ, तू मुझे बेचना कितने में चाह रहा है, 2 करोड़ रुपये में. ऐसा क्यों? क्योंकि तूने इतने डाउनलोड्स करवाए, तूने इतने अच्छे फीचर्स दिए जिसकी वजह से मैं तुझे ज़्यादा पे करने को तैयार हूँ. तो तेरे लिए जो पैसा तेरे को मिल रहा है वो तो सेल हो गया, पर जो खरीदने वाला है उसके लिए वो गुडविल है, परचेज्ड गुडविल. जो वो 2 करोड़ रुपए दे रहा है ना, उसके बदले वो वैल्यू कर रहा है कि आज ये ऐप कितने की है. तो मान लो उसने अपने हिसाब से वैल्यूएशन करवाई 1 करोड़ 90 लाख की, और उसने पे कितना किया, 2 करोड़, तो वो बोलेगा 10 लाख रुपए इज माई परचेज्ड गुडविल. फॉर यू इट वॉज सेल्फ जनरेटेड, बट फॉर मी इट इज परचेज्ड. ठीक है, मैंने कैलकुलेटर परचेज किया आपसे, कल परचेज किया था, तो इट वॉज अ पास्ट इवेंट. ठीक है, और ये कैलकुलेटर जब मैंने परचेज किया था तो मैंने आपसे ये 100 रुपये में परचेज किया था, पर मैंने आपको 100 रुपये दिए नहीं है. ठीक है, बट हम दोनों के बीच में अग्री हो चुका है कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा. आपने मुझे इनवॉइस बना के दिया है 100 रुपये का, तो अभी ये क्या हो गया, सर्टेनली मेजर. पास्ट इवेंट क्या था, कल की परचेज, उसके कारण आज मैं बोल सकता हूं कि मुझे तो पे करना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस. मतलब प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है, टेक्निकली 100% है. तो पीओ हो गया, पीओ मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. मेरी जेब से क्या जाएगा, 100 रुपये, 100 रुपये इज माई कैश, कैश इज माई रिसोर्स बिकॉज इट इज़ एन असेट. सो पीओ हो गया, कैश मुझे 100 रुपये देना पड़ेगा, अभी मैंने दिया नहीं है. क्या 100 रुपये ही देना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि आपने मुझे बिल 100 रुपये का दिया है. आई बात समझ में कि नहीं? नहीं, वो एक सिचुएशन है, मॉनिटरी नहीं है. नहीं, वो फॉर्मूला मतलब वो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला नहीं, दिमाग में वो सिचुएशन बेस्ड फॉर्मूला था कि पीओ होना चाहिए, फिर उसका आउटफ्लो भी होना चाहिए, और लास्ट में जो भी आउटफ्लो हो उसकी वैल्यू मेजर होनी चाहिए. तो वो सर्टेनली मेजर ही देना है. हाँ हाँ,
पर यहीं पर कैलकुलेटर की जगह पर कोई ऐसी चीज थी, हाँ, इन्होंने मेरे को सर्विस दिया, इन्होंने मेरे लिए 2-3 दिन काम किया, मेरे को नोट्स बनाने में हेल्प की इन्होंने। इनके साथ कोई सैलरी तय नहीं हुआ था कि मैं इनको कितना सैलरी दूंगा, ये मुझे जानती है, मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने बोला कि सर मैं 3-4 दिन आपको हेल्प करने को रेडी हूँ, मैंने आ जाओ मैं तेरे को सैलरी दे दूंगा। अभी डिसाइड ही नहीं हुआ था कि कितना सैलरी देना है, तो वो प्रोविजन बन जाएगा क्योंकि बिकॉज अमाउंट इज नॉट सर्टेनली मेजरेबल। सो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये 3 दिन के कितने बनते हैं, 5,000 बनते हैं, मैं 5,000 इसको दे दूंगा, तो मैं अपना अंदाजा कर रहा हूँ कि मैं 5,000 दूंगा, तो दैट इज प्रोविजन। मैं एक बात बताऊं, मेरे को मराठी बहुत कम आती है समझ में। इनकम फ्रॉम सर्विसेज में एग्जांपल क्या है? इनकम फ्रॉम सर्विसेज, वी स्मार्ट सर्विसेज, टीचिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है। हाँ, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सर्विस भी आ गया, सेल ऑफ गुड्स भी आ गया, बुक सेल किया तो सेल ऑफ गुड्स, पढ़ाया उसकी जो फीस आई तो सेल ऑफ सर्विस, इनकम फ्रॉम सर्विस। दूसरा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो सॉफ्टवेयर बना के देती है या वो कंसल्टेंसी देती है, तो सॉफ्टवेयर बनाने में कंसल्टेंसी देती है तो उसको सर्विस से पैसा आता है, सर्विस। नहीं, वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। गेन मतलब कोई चीज़ असेट को बेचने से या लायबिलिटी को सेटल करने से। तुमने एफडी को बेचा कहाँ? तुम एफडी को बेच कैसे सकती हो? किसी और को बेचोगी थोड़ी, जिसके पास जमा की थी उसी से वो मैच्योर होती है। सो एफडी बिकती नहीं है, एफडी मैच्योर होती है। जबकि मैंने एग्जांपल दिया था आईपैड वाला गेन के केस में, ठीक है। आज की मार्केट वैल्यू पे मैं पैसे लूंगा, मतलब आज मान लीजिए मैंने आपसे एक लमसम 2,00,000 रुपए ले लिए और मैं आपको बोलूंगा कि 6 महीने बाद जो भी मेरे शेयर की वैल्यू चल रही होगी, हाँ 6 महीने बाद जो भी मेरे शेयर की वैल्यू चल रही होगी, मैं उसके हिसाब से आपको शेयर दूंगा, तो डिवाइड बाय, उस टाइम पे शेयर की वैल्यू चल रही थी मान लो 50 रुपए, तो उस टाइम पे शेयर मुझे आपको देने पड़ेंगे 4,000। तो शेयर फिक्स नहीं होते, शेयर आगे चल के निकाले जाते हैं बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। करेक्ट। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस एक टर्म है जिसके अंदर जनरल रिजर्व आता है, कैपिटल रिजर्व आता है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है, और इसके अंदर बहुत सारे अदर रिजर्व्स आते हैं। अब ये सब अलग अलग क्यों हैं? तो जैसे उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि पापा आए, उन्होंने पूरे मिला के आज इस साल 50,000 कमाए, उन्होंने 50,000 कमा के उन्होंने बोला कि यार जनरल रिजर्व में मैं 30 डाल देता हूँ क्योंकि इसका मुझे आगे यूज़ करना पड़ेगा, मैं इसको छुपा देता हूँ, मुझे आगे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, मेरा बच्चा जब CA बनेगा तो उसकी शादी करवानी पड़ेगी, तो मैंने उसको डाल दिया यहाँ पर। फिर मैंने बोला कि यार कुछ स्पेसिफिक मुझे 10,000 मुझे कहीं और डालने पड़ेंगे, मुझे बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, मेरा कोई और पर्पस है, तो मैंने 10,000 यहाँ डाल दिए। तो क्या होता है ना कि जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट कमाने के बाद हमें प्रॉफिट को अलग अलग जगह यूज़ करना पड़ता है, उसके हमारे स्पेसिफिक अलग अलग रीजंस होते हैं कि इस प्रॉफिट का इतना मैं यहाँ जाऊँगा खर्च करूँगा, कुछ यहाँ खर्च करूँगा, कुछ मैं आगे चल के बोनस इशू करूँगा तो उसके लिए बचा लूँ, कुछ मैं डिबेंचर होल्डर्स के DRR के लिए बना लूँ, ये सब चीज़ें आगे आएंगी, तो अलग अलग पर्पज़ से होता है, तो इसीलिए उसको हम अलग अलग रिजर्व के अंदर डाल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये बोल रहे हो? सरप्लस बेसिकली P&L, और सरप्लस को छोड़ के जो भी बचा वो रिजर्व्स, इसीलिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। टेक्निकली इट इज अ P&L अप्रोप्रिएशन। वो
वो आपने इसका iPad का एग्जांपल दिया था, तो अगर इनके सब डेप्रिसिएशन, सपोज एसेट की वैल्यू है 1 लाख और डेप्रिशिएटेड अमाउंट उसकी 50,000 और आपने उसको सेल किया है 52 में, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो 2000 का प्रॉफिट ऑन सेल लिखते हैं ना, तो आपने इसको गेन क्यों बोला था, ये प्रॉफिट हो रहा है तो ना? हम उसको जो प्रॉफिट ऑन सेल लिखते हैं ना, वो हमेशा शब्द पढ़ाया गया है, टेक्निकली उसको जो मेन नाम है उसका गेन है। अच्छा, और आपने शेयर्स का भी सेम एग्जांपल गेन में दिया था कल। हाँ, तो मतलब जो इन्वेस्टर रहते वो इन प्रॉफिट मोटिव मैच रहता उनका पर इन्वेस्टिंग, तो उसको गेन वापस क्यों बोलेंगे? अभी मतलब इन्वेस्टर का मोटिव रहता है प्रॉफिट, और आपने बोला था प्रॉफिट एंड गेन। मैंने बोला प्रॉफिट इंक्लूड्स गेन्स, तो अगर उसका मोटिव प्रॉफिट है तो उसको अल्टीमेटली वो गेन ही हो रहा है ना, क्योंकि उसने कोई शेयर बेचा और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट के अंदर ही आ गया। सर, आपने जो शेयर वारंट्स का बोला, मैंने आज मैंने शेयर वारंट लिए, आपने मुझे शेयर वारंट्स दिए मैंने और जो प्राइस पे दिए, और मैंने समझो ये इसको मैंने शेयर वारंट्स दे दिए मेरे और उसके अमाउंट लिए, कल जाके आपको शेयर वारंट्स देगा तो फिर इन्हें आपको पेपर देगा, पेपर देगा, फिर आप उसको शेयर्स देंगे, यानी फिर शेयर्स देंगे, अगर समझो मेरे प्राइस बढ़ गए तो इन्हें वही प्राइस पे रहेगा क्या? तो वो बनी जो 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 तूने उसको शेयर वारंट बेचा ना, तो उस डेट की शेयर की करंट प्राइस के हिसाब से बेच सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनको गेन लॉस वो वॉट एवर जो भी होगा। ठीक है सर, एक और बात थी, क्लास कब तक क्लास हो रहा है? क्लास कौन सी क्लास? अभी 10 मिनट अच्छे से मिलाओ, ऐसे नहीं। हाँ चलो, हाँ बहुत शुक्रिया सर। ये जो सर अभी बोले थे ना लिखने का, तो मैं ये लिखा हूँ, बट इसका लैंग्वेज वगैरह सर चलेगा? तो मैं मेरे हिसाब से लिखूँगी इसको, या चेंजेस वगैरह करना चाहते तो करेंगे अपन इसमें। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ क्वेश्चन, इफ एन एम्प्लॉई इज हायर्ड इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, सो कैन वी कॉल्ड रिकॉर्ड हिज एज? नहीं बेटा, थोड़ा सा बिकॉज एंटिटी कैन नॉट कंट्रोल, एंटिटी कैन नॉट कंट्रोल हिज ऑन हिज इन स्किल्स, वी कैन नॉट मेजर एंटिटी नहीं, एम्प्लॉइज स्किल इन मॉनिटरी वैल्यू। थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, बट मैं करवा लूँगा। थोड़ा सा असेसमेंट हो जाए कितने। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। नोट्स अभी देख लेना चाहिए क्या ऑफिस पे जाए? हाँ एक बार देख लो। वेट अ मिनट। यस, आपके अगर कोई डाउट हो, NPO का सरप्लस एंड डेफिसिट भी प्रॉफिट एंड में इंक्लूड। देखो बेटा, NPO के लिए टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है। जैसे अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते, तो NPO के लिए बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। तो फिर उनके यहाँ टर्मिनोलॉजी प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के सरप्लस बोलते हैं, उनके यहाँ लॉस को लॉस ना बोल के डेफिसिट बोलते हैं, जैसा आपने फाउंडेशन में कहीं देखा होगा। तो ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी का चेंज है, ठीक है? प्रॉफिट मतलब उनका सरप्लस, अपना लॉस मतलब उनका डेफिसिट। सर, जो शेयर की मनी आ गया है पर अलॉटमेंट पेंडिंग है, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या? शेयर का मनी आ गया है? नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अगर मैंने कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी दे दिया है पर अभी मुझे शेयर अलॉट नहीं हुए, तो मुझे कोई डिविडेंड नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। सर, डेफर्ड असेट्स एंड डेफर्ड लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स असेट होता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है। उसके अलावा ये वर्ड डेफर्ड ऐसे यूज नहीं होता। डेफर का मतलब सिंपल होता है पोस्टपोन करना, मतलब आज मैंने कोई खर्चा किया है जिसका बेनिफिट मुझे 3 साल तक मिलेगा,
तो मैं उस खर्चे को 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में डालूंगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड। अब इसका रियल इसमें कौन सी चीज इसमें कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जिसका AS 22 आएगा और वो AS 22 फॉलो क्या बोलते हैं आपको पढ़ाया जाएगा। हाउ विल द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग विल बी ट्रीटेड पीएनएल। एम्प्लॉय को ट्रेन करने का जो खर्चा होता है वो इंटेंजिबल असेट नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया कि आप उसको ट्रेन तो कर रहे हो, आप उसको स्किल बना रहे, उसकी स्किल्स डेवलप कर रहे हो, पर उसकी स्किल्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग का खर्चा होता है वो AS 26 के अकॉर्डिंग पीएनएल में जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय को हम असेट नहीं बोल सकते तो लाइव स्टॉक को असेट बोल सकते हैं, एंड उसका मेजरमेंट कैसे होगा? हाँ, लाइव स्टॉक आपके पास गाय है, भेड़ बकरी है, आपका काम आप एक अमूल कंपनी हो, अमूल सिंपली अमूल कंपनी हो जो कि लाइव स्टॉक को यूज़ करके दूध निकालती है और दूध बेचती है मार्केट में, तो बेसिकली लाइव स्टॉक आपके लिए डेफिनेटली एक असेट है, क्योंकि उसको आपने या तो खरीदा होगा, गाय या तो आपने हरियाणा से जाके खरीदी होगी, भैंस को खरीदा होगा, या तो फिर उस भैंस ने बछड़ा दिया होगा, तो जो बछड़ा दिया होगा काफ, गाय का जो बछड़ा होगा काफ, उस वो भी आपकी असेट है, क्योंकि उस पे आपका कंट्रोल भी है और उससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। तो सर उसको मेजर कैसे करेंगे? मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि वही बछड़ा अगर मार्केट में जाके तुम बेचोगे तो डेफिनेटली तुम्हें खरीदार मिलेंगे, तो उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, इसीलिए बछड़े को भी तुम रिकॉर्ड करोगे एज एन असेट। सर क्या हम एडवर्टीजमेंट को असेट बोल सकते हैं? बिकॉज ओ भाई तो मुझे फ्यूचर बेनिफिट दे। एडवर्टीजमेंट को असेट हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग प्रमोशन के खर्चे करने से तुम्हें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये श्योरिटी नहीं है। किसने बोला कि प्रमोशन से तुम्हें बेनिफिट मिलेगा? आदि पुरुष का इतना जबरदस्त प्रमोशन हुआ, ठीक है, तो क्या उनको बेनिफिट मिला? अब आप बोलोगे सर मॉनिटरी टर्म्स में तो उनके पैसे निकल आए, आपको क्या पता 700 करोड़ की बजट थी, हो सकता है उनको 500 करोड़ ही मिल पाए, तो 200 करोड़ तो नुकसान हो गया। तो इतना सारा जो उसने प्रमोशन किया, मार्केटिंग किया, बेनिफिट कहाँ मिला? नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स की मूवी आती है, इतना प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बेनिफिट होता भी है नहीं भी होता है। तो मार्केटिंग प्रमोशन के खर्चे से बेनिफिट मिलना फाइनल नहीं है, फिक्स नहीं है कि बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए आप उसको असेट नहीं शो कर सकते। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं होता, बेवकूफी चीज है, वो फाउंडेशन की चीजें वहीं पर छोड़ के आओ। सर आपने बोला था कि एम्प्लॉय के मैनेजर बैलेंस शीट में, एम्प्लॉय को बैलेंस शीट में शो नहीं करते, पर फॉरेन में होता है। ये फालतू बातें मत करो, फॉरेन में होता है, जो चीज है वो फॉरेन में होता है, तुमने कुछ लिखा हुआ देखा है, कुछ पढ़ा हुआ देखा है, फॉरेन में होता है, बस अपन ने ऐसे ही बोल दिया, अपने को कोई नॉलेज है नहीं कि फॉरेन में क्या नहीं होता है, क्या होता है। फॉरेन में भी इंड एस के जैसे IFRS लगते हैं, और IFRS मैं खुद IFRS सर्टिफाइड हूँ, तो फॉरेन में नहीं होता। कुछ भी मत बोलो कि बस हम जो मन में आया कि सर फॉरेन में होता है तो होता है, कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, कहाँ देखा तुमने फॉरेन में होता है, तो ऐसी बचकानी बातें मत पूछो। सर AS इंड AS के एप्लीकेशन के लिए प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट मैटर नहीं करता, नेटवर्थ मैटर करता है। सर PDF मिलेगी कि नहीं? कौन सी PDF? ये जो जितनी भी डेमो बुक्स का PDF हो वो इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सर रेवेन्यू क्या होता है? लेक्चर पूरा देख लेना, रेवेन्यू के ऊपर कम से कम 20 मिनट मैंने बात की थी। चलिए आई थिंक अब आप बाकी ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं जो डाउट वाली नहीं है। नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स मतलब बुक्स कब मिलेंगी? ऑनलाइन वालों की बुक्स ऑलरेडी डिस्पैच हो चुकी हैं,
तो 3-4 दिन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।